चलिए वॉल्यूम टू पे आइए, टैक्स ऑडिट पढ़ते हैं। पेज नंबर 96 पे सबसे फेमस क्वेश्चन होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। ठीक है, फटाफट मैं तो आप लोगों को सेक्शन 44 ए बी पता होगा, करेक्ट? टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है अगर असेसी का टर्नओवर इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़। अगला, प्रोफेशन का रेसिट एक्सीड्स 50 लाख। फिर एबीसी क्लॉज नंबर सी होता है, अगर कोई बंदा प्रिजेम्प्टिव बेसिस टैक्सेशन अवेलेबल है, अगर वो करवाता नहीं है, उससे कम टैक्स भरता है, तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी है क्लॉज सी में। अब मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट जो नोट्स होंगे, रेगुलर नोट्स होंगे, उसमें होगा 44AE इज फॉर स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स, 44BB इज फॉर नॉन रेसिडेंट्स। एकदम शॉर्ट में पता होना चाहिए, इसमें एकदम टैक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड चीजें पता होनी चाहिए और उसके ऊपर ही सवाल आते हैं, उसके पीछे आजू बाजू घूमते रहते हैं। किसी के मन में आएगा भाई मैं पूरा सेक्शन ही पढ़ लेता हूँ, वो भाई ठीक है फिर तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तो वो सब नहीं पढ़ना है। 44AE स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स BB नॉन रेसिडेंट इंडिया में मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, BBB नॉन रेसिडेंट कंपनी इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ऐसा अगर आप प्रिजेम्प्टिव बेसिस पे नहीं जाना चाहते, उससे कम पे करना चाहते, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट, टैक्स ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा। वैसे ही छोटे बिजनेसमैन अगर प्रिजेम्प्टिव बेसिस पे नहीं जाना चाहते, छोटे बिजनेसमैन की लिमिट कितनी है? 2 करोड़। कितनी लिमिट है? 2 करोड़। लेकिन वो जो लिमिट है 2 करोड़ की, सिर्फ 3 ही एसएससीज के लिए, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप, LLP नहीं, पार्टनरशिप अंडर 1932। अरे जो बोल रहे हो समझ रहा है कुछ? नहीं सर, तुम ही कोई समझ रहा है। जो छोटे बिजनेस है उनके पास लिमिट है 2 करोड़। 2 करोड़ तक किस पे चलते हैं? प्रिजेम्प्टिव। प्रिजेम्प्टिव पे नहीं चलोगे तो वापस क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। यस नो? छोटे प्रोफेशनल्स भी है, उनकी कितनी लिमिट है? 50 लाख। उसमें भी प्रिजेम्प्टिव बेसिस है, अगर नहीं करोगे, उससे नीचे भरना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करना पड़ेगा। लेट्स प्लीज ध्यान देंगे, 44AB के क्लॉज ए में लिखा है टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया, ऑडिट कराओ। बी में लिखा है प्रोफेशन की रिसीट 50 लाख के ऊपर गई, ऑडिट कराओ। सी में लिखा है AE BBB BBB प्रिजेम्प्टिव नहीं करना, ऑडिट कराओ, ठीक है। डी में लिखा है छोटे प्रोफेशनल्स, अगर ये प्रिजेम्प्टिव पे नहीं चलना, क्या कराओ? ऑडिट कराओ। फिर ई में लिखा है छोटा बिजनेसमैन, 2 करोड़ तक टर्नओवर है, प्रिजेम्प्टिव पे नहीं चलना, क्या कराओ? ऑडिट कराओ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस नो? 44, ठीक है। AB के 5 क्लॉजेस है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। इसमें सवाल उठता है टर्नओवर कैसे कंप्यूट करना। क्या बोला मैंने? टर्नओवर कैसे कंप्यूट करना। 40 टैक्स ऑडिट में बहुत फेमस है, ठीक है, हाउ टू कंप्यूट द टर्नओवर, टर्नओवर हम लोगों ने कैसे कंप्यूट करना चाहिए। तो अगर आप, ठीक है, टर्नओवर कैसे कंप्यूट करना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, वहां पे देखेंगे तो इतनी बार पूछा हुआ है, करेक्ट? कुछ ज्यादा ही हो गया, छोड़ दो, ठीक है।
कोरोना हो गया उसको, ध्यान देंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में उन्होंने टर्नओवर दिया है 1.13 करोड़ का टर्नओवर है, और वहां लिखा है बिफोर एडजस्टिंग, लिखा नहीं भी होता ना तो वही मानते हैं। और बच्चे इसमें बहुत अति अति दिमाग लगा डालते, कभी कभी सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट कर डालते हैं, ध्यान देंगे। सर तो ये जो 1.13 करोड़ है ये एज पर सेल्स रजिस्टर है कि एज पर सेल्स अकाउंट है? ओ भाई, दिस इज सिंपली क्वांटिटी इनटू एमआरपी। ये जो आपका जो दिया रहता है इसको सिंपल क्या मानना, क्वांटिटी इनटू रेट या एमआरपी, बस क्वांटिटी इनटू रेट मानना। अति अति दिमाग लगा डालते उसमें, इजी चीज को कॉम्प्लिकेट कर डालते। क्वांटिटी इनटू रेट है मान लेने का, करेक्ट? फिर बहुत, अब यहां पे तो सिंपल से एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। आपका डिस्काउंट अलाउड इन सेल्स, जितना भी डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल दिया था किसी भी नाम से, बल्क डिस्काउंट के नाम से, लॉयल्टी डिस्काउंट के नाम से, ठीक है, किसी भी नाम से अगर ये आपको डिस्काउंट दिया जाए वो ट्रेड डिस्काउंट है। सेल के वक्त ही आपको पता था ये पैसे कभी मिलने वाले नहीं है, तो आप उसको, ठीक है, उसको माइनस कर दीजिए। सर लेकिन वो सेल तो ऑलरेडी माइनस, मैंने बोला ना इट इज क्वांटिटी इनटू रेट, हर चीज का इफेक्ट लेना है, दिमाग नहीं लगाना है उसमें, दिमाग मतलब बेकार दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बहुत झगड़ते भी मेरे साथ में, सर ट्रेड डिस्काउंट की तो अकाउंटिंग ही नहीं होती, तो वो तो बिना ऐसा सब सोचना गलत है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज सिंपली क्वांटिटी इनटू रेट। ट्रेड डिस्काउंट टर्नओवर में काउंट नहीं होता, उसको माइनस कर दीजिए। फिर कैश डिस्काउंट है, अदर देन अलाउड इन कैश मेमो सेल्स इनवॉइस, सेल होने के बाद पैसे जल्दी मिलने चाहिए, इसके लिए तुमने कैश डिस्काउंट दिया होगा, वो माइनस नहीं होता, सिर्फ क्या माइनस होता, ट्रेड डिस्काउंट। फिर ट्रेड डिस्काउंट वापस लिखा है, सर दो दो बार क्यों लिखा है, उनकी मर्जी, करेक्ट, वापस लिखा है, फिर से माइनस करेंगे। कमीशन ऑन सेल्स कोई डिस्काउंट नहीं है, खर्चा है, खर्चे में जाएगा, टर्नओवर से उसका कोई लेना देना नहीं है। सेल्स रिटर्न, ठीक है, अच्छा कभी ऐसा भी करते हैं, सेल्स रिटर्न बताते हैं कितना रिटर्न इसी साल का है और कितना रिटर्न पिछले साल का है, तो कितना माइनस करेंगे, पूरा, इस साल का हो कि पिछले साल का उससे कोई मतलब नहीं है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही आसान, बस एडजस्ट किया आपको टर्नओवर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला आपको 2 करोड़ की लिमिट सिर्फ 3 लोगों के लिए है, किसके लिए, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म, बाकी सबके लिए कितना लेकर चलेंगे, 1 करोड़ लेकर चलेंगे। इस पॉइंट क्लियर? कई बार वही चीज को पूछा गया बार बार। नाउ Liquium Limited non-resident companies engaged in the business of extraction of mineral oil having turnover of 20 lakhs during the financial 15-16. The company claims that its profit and gain chargeable tax under the head PGBP is lower. Achha, is lower than the deemed income chargeable under 44BB of Income Tax Act. Therefore, it decided to get its accounts audited under 44AB of Income Tax Act. As auditor, how would you report under from 3CD? Dhyan denge sab. इतना सबको पता होगा, ठीक है। टैक्स ऑडिट में ऑडिटर सबसे पहले रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, किस पे रिपोर्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर वो रिपोर्ट करता है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर बनता है, क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर, 50 क्लॉजेस, नंबरिंग वाइज 44 ही है,
नंबरिंग वाइज 44 है, लेकिन कहीं पे एबीसी एबीसी है, वो सब मिलाकर टोटल कितना होता है? 50, 50 क्लॉज है। ये 50 क्लॉजेस जानकारी जरूरी है, असेसिंग ऑफिसर को चाहिए टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। तो फॉर्म 3CD में और इंफॉर्मेशन को डाला जाता है, एज द ऑडिटर हमको उस पर भी रिपोर्ट करना है वेदर फॉर्म 3CD ट्रू एंड करेक्ट। टैक्स ऑडिट में दो चीजों पे रिपोर्ट करना पड़ता है, पहले रिपोर्ट करना पड़ता है साहब किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर रिपोर्ट करना पड़ता है क्या जानकारी जो है फॉर्म 3CD की दैट इज ट्रू एंड करेक्ट। ऐसे दो चीजों पे कमेंट करना है। अब अगर उस असेसी का ऑडिट पहले ही किसी दूसरे लॉ में हो चुका है तो लगता है फॉर्म 3CA। क्या लगता है? फॉर्म 3CA। तो हम पहले पार्ट में लिखते हैं इसका ऑडिट पहले ही हो चुका है इस पर्टिकुलर लॉ में इन्होंने किया है, वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हम अटैच कर देंगे। जिस लॉ में भी ऑडिट हुआ था उसकी रिपोर्ट क्या कर देंगे? अटैच। सिर्फ ट्रू एंड करेक्ट बताएंगे किसके ऊपर? फॉर्म 3CD में। क्या सीखा? अगर किसी का ऑडिट पहले हो चुका है किसी और लॉ में तो बस उसकी रिपोर्ट अटैच करनी पड़ती है, और रिपोर्ट सिर्फ किस पे करना पड़ता है? 3CD पे। समझ रहे साहब? यस नो? अगर पूरा काम पहली बार टैक्स में हो रहा है तो कौन सा फॉर्म लगता है? 3CB। 3CB लगता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपीएन भी देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा वेदर फॉर्म 3CD इज ट्रू एंड करेक्ट। बात समझी क्या साहब? लेट्स फ्रीज। कितने फॉर्म हो गए? 3। अगर पहले ऑडिट हो चुका है तो 3CA, नहीं हुआ है तो 3CB, और फिर इंफॉर्मेशन के लिए 3CD। ठीक है। अब बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से बहुत ज्यादा। देखिए हमारे पास लिमिटेड समय में अब ज्ञान भर भर के बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम जो बेस्ट सबसे मुझे लगता है लिमिटेड टाइम हमारे पास जो है उसमें मुझे लगता है कि जिस चीज से आपका डर काफी कम हो सकता है और आप थोड़ा बेहतर महसूस कर सकते हैं वो चीजें मैं बता रहा हूं। तो 44AB का मैंने ओवरव्यू दिया। ऑडिट रिपोर्ट के 3 फॉर्म होते हैं, डिस्कस किए 3CA 3CB एंड 3CD। अब अगर मैं आपको ये 50 क्लॉज याद करवा दूं, अगर मैं 50 क्लॉज याद करवा दूं कि कौन से क्लॉज में क्या आता है, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक बच्चों का जो डर है वो इस चैप्टर से बहुत कम हो जाता है। करेक्ट। करना क्या है? आपको ये 50 क्लॉज में याद करवा दूंगा और आपने फिर क्वेश्चन बैंक से उसके केसेस कर लिए। जितने केसेस क्वेश्चन बैंक में है देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि सवाल इधर से ही आए। बिग प्रोबेबिलिटी इधर से ही सवाल आना है। मैंने आज जब मैं लेक्चर शुरू कर रहा था उसके पहले मैं डिस्कस कर रहा था, पिछले अटेम्प्ट में न्यू कोर्स में और ओल्ड कोर्स में सिर्फ 17-18 मार्क के ऐसे क्वेश्चन है दोनों में। ठीक है। जो प्रैक्टिस मैनुअल 4 अटेम्प्ट की एमटीपी आरटीपी पास पेपर के बाहर के है, उस वो क्वेश्चंस में से भी आधे क्वेश्चन एकदम ही सिंपल वाले होंगे, एकदम सिंपल वाले, कंपनी ऑडिट प्रोफेशन इसके कई एकदम बहुत ही आसान वाले। बड़ी मुश्किल से 5 से 10 मार्क का कोई बाहर का डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक अच्छे से की है, इफ यू डू दैट 2-3 बार अगर आप करते हो, दैट इज मच मोर देन सफिशियंट। टैक्स ऑडिट में क्वेश्चन बैंक में इतने क्वेश्चन कर लिए उतना करो, बहुत है। नाउ लिसन, तो सबसे पहले आपको वो पर्टिकुलर आइए, तो ये 50 क्लॉज करवा देता हूं आपको। प्रोफेशनल एथिक्स की याद है क्या? 34। पहले 4 कौन थे? एक्टर एक्ट्रेस। अगली 4 क्या थी? गाड़ियां। फिर 4 क्या थी? सिटीज। बराबर। फिर 2 क्या थी? मूवीज। 3 क्या थी? खाने पीने की चीजें। उसके बाद में हथकड़ी थी, देन शेमोनियो। फिर अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल, पहले 5 क्या थे? क्रिकेटर्स। फिर 5 क्या थे? स्पोर्ट्स। फिर 4 क्या थे? टाइम पास की चीजें। फिर ओवर।
ऐसे 34 क्लॉज थे, अगर ये याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि याद होना, सेम सीक्वेंस में याद होना, नंबर आपको पता चलता है, ठीक है? नाउ लिसन, ध्यान देंगे सब। अब तो एज आई सेड, अगर आपको क्लॉज नंबर आप याद हो जाएंगे तो काफी चीजें आसान लगेगी। सबसे पहले 10 क्लॉज, पहले 4 आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेसी पे है। किस पे साहब? आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेसी। असेसी का नाम क्या है? नाम सेम हो सकता है, नाम सेम हो सकता है, इसलिए फिर ठीक है, इसलिए उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस के बाद स्पेसिफिक जानकारी के लिए उसका पैन कार्ड नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। सिर्फ आइडेंटिफाइंग दी एसएससी, 4 बातें। पहला सब जा देंगे क्या, नाम, नाम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद पैन, पैन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये 4 हो गए। अब अगले 4 बेसिक्स ऑफ टैक्स के ऊपर है। असेसी का स्टेटस क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द असेसी, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनर है, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्या है, फिर उसका असेसमेंट ईयर क्या है, और 44 एबी के कौन से क्लॉज में उसका ऑडिट हो रहा है। मैंने आपको 5 क्लॉज गिनाए थे, 1 करोड़ वाला, 50 लाख वाला, 44 ए डबल बी ट्रिपल बी, फिर छोटे प्रोफेशनल्स, छोटे बिजनेसमैन, ठीक है? एनीवेज ऐसे क्लॉजेस है उसमें, कौन से क्लॉज में ऑडिट हो रहा है बताना पड़ता है। फिर बिजनेस चलाने वाले ओनर कौन है, पार्टनर, ओनर्स का नाम, और क्या बिजनेस वो चला रहे हैं, कौन सा, तो बिजनेस के डिटेल्स, ऐसी 10 बातें। पहले 4 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द असेसी, अगले 4 बेसिक्स ऑफ द टैक्स, बेसिक टैक्स इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद ओनर्स पार्टनर्स कौन है उनके डिटेल्स, और फिर बिजनेस कौन सा कर रहे हैं उसके डिटेल्स बताने पड़ते हैं। सिर्फ अभी हमारा फोकस है क्लॉज नंबर याद करने का। करते करते मैं इंपॉर्टेंट क्लॉज भी मार्क कर देता हूं। क्लॉज नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, क्लॉज नंबर 8, क्योंकि पूछा हुआ है एग्जाम। अब इसकी थीम है, पहली थीम थी सेलिब्रिटीज, दूसरा था क्रिकेटर्स, ठीक है, स्पोर्ट्स क्रिकेटर्स था। अब यहां पे है, नाउ इट्स एंटरटेनमेंट, ध्यान देंगे, वापस पढ़ना कुछ नहीं है, इमेज। तो पहले 5 एंटरटेनमेंट के लिए, पहले 5 बॉलीवुड मूवीज है, पहले 5 बॉलीवुड मूवीज है, अगले 5 कार्टून्स है, उसके बाद हॉलीवुड मूवीज है, ध्यान देंगे। तो पहले आपको दिख रहा है बाहुबली, उसके बाजू में परमाणु, उसके बाजू में मैरी कॉम, ठीक है, बॉक्सिंग ग्लव्स, उसके बाद में हमारे विकेट ओनर, फिर शाहरुख भाई, चेन्नई एक्सप्रेस, हो गए 5 क्लॉज, ध्यान देंगे। बाहुबली इज फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बात करनी पड़ती है। बाहुबली के बाजू में कौन है? परमाणु। प्रिजेम्प्टिव बेसिस कोई इनकम है क्या, प्रिजेम्प्टिव बेसिस कोई इनकम है क्या पीएनएल में, उसकी जानकारी देनी पड़ती है। फिर उसके बाद में ग्लव्स पहन के मैरीकॉम, मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करनी पड़ती है। उसके बाद में विकेट ओनर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करनी पड़ती है। उसके बाजू में चेन्नई एक्सप्रेस, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड की बात करनी पड़ती है। बात समझे के साहब? बाहुबली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, परमाणु, प्रिजेम्प्टिव बेसिस, मैरीकॉम, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, विकेट ओनर, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, चेन्नई एक्सप्रेस, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड। अब इसमें अगर मुझे इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग को मैं सिर्फ मार्क करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आईसीडीएस आते हैं, आईसीडीएस डिटेल में हमारे कोर्स में नहीं है, नाम नंबर पता है बहुत है, ठीक है,
टाइम रहा वो भी याद करा दूंगा, याद में कुछ भी करा सकता, कुछ भी लेके आओ मेरे पास, चार पेज भी लेके आऊंगे तो उसको भी ठोक पीट के कर ही डालेंगे, कुछ तो भी ध्यान देंगे। नाउ लिसन, फिर उसके बाद में ठीक है, कार्टून आपको ब्लू कलर का दिख रहा है पोकेमॉन, फिर रेड टॉम एंड जेरी, फिर बहुत फेमस ब्लू डोरेमॉन, फिर थोड़ा सब विदे देसी अलादीन, और अलादीन के बाजू में भीम, छोटा भीम, ठीक है। सर अभी रोलर कोस्टर पे है, यस बैंक में पैसा। मेरा चलो अभी बात क्विकली, सिंसियर एडवाइस, एक चीज मतलब आई बिलोंग टू अ शेयर ब्रोकर फैमिली, सो आई हैव सीन स्टॉक मार्केट क्लोजली फॉर बहुत सारे सालों से देखा है, ठीक है। और माय एंड कंक्लूजन इज दैट नो लॉजिक्स वर्क इन स्टॉक मार्केट, नो लॉजिक्स, नो फंडामेंटल्स, नो टेक्निकल चार्ट्स, नथिंग वर्क्स। अगर आप उसमें डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉर दैट मैटर कुछ महीनों में भी ट्रेडिंग कर रहे हो, खोना ही है। 99.99% पीपल खोते ही है और तभी एग्जिट मारते जब खोने के लिए कुछ बचता नहीं है, और सब लोग एक प्रॉफिट याद रखते हैं और जो बहुत सारे लॉस रहते वो भूल जाते हैं, बिकॉज ऑपरेटर्स आर वर्किंग देयर एंड दे आर हैविंग सच जबरदस्त मसल पावर है उनके पास, भयंकर। और तुम जितना सबको लगता सब बहुत होशियार है, सबको लगता कि हम इतने होशियार है कितने होशियार है, और ऐसा लगता है कि हमने सौदा किया तो हम जीतने वाले हैं, और हमको लगता हमको ही मार्केट का पूरा ट्रेंड समझता। भाई साहब सामने वाले इतना पैसा लेके बैठे, इतना एनालिसिस लेके बैठे, इतने सॉफ्टवेयर लेके बैठे, आजकल अल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग होती है, रोबोट्स आर डूइंग द ट्रेडिंग, तुम कहां हो? और इतना वो मेंटालिटी जानते हैं, साइकोलॉजी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, ट्रेडिंग तो करना ही नहीं साहब, ट्रेडिंग तो सुसाइडल है। मैं तो बोलता हूं इन्वेस्ट भी ठीक है, अरे भाई म्यूचुअल फंड वाला बंदा बैठा है ना, तू क्या उससे ज्यादा नॉलेजेबल है क्या? म्यूचुअल फंड वाला बंदा जो सुबह जो 24 घंटे यही काम करता है, 50 लोगों की रिसर्च टीम के साथ बैठता है, तुम समझते हो तुम उससे भी ज्यादा नॉलेजेबल हो? तुमको उससे भी ज्यादा समझता, इससे ये समझता। बराबर। तो मैंने आई हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, तो मैं बता रहा हूं एंड रिजल्ट जितना दूर रहे उतना अच्छा, इट विल बी गुड और प्रोडक्टिव। और जितने टाइम सौदा करता है आदमी सारी उतने समय ऑल द प्रोडक्टिव टाइम इज लॉस्ट, उतने टाइम उसका ध्यान उसी में ही रहता है। तो अगर इसमें से कोई भी करता होगा तो स्टे अवे, और आई हैव सीन इट स्पॉइल्स करियर ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों का अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लग गए तो सीए से ध्यान भटक जाता है उनका, ठीक है। अच्छा नहीं, अरे विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओ भाई मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, लोग बोलते हैं जोड़ते किधर, और SFM में ट्रेडिंग करवाते मैं जानता हूँ, अच्छी बात है। SFM में ट्रेडिंग करवाते और ठीक है ट्रेडिंग करवाते अच्छी बात है, ये मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन थे, ठीक है। मेरा तो मेरा ऐसा मानना एंड रिजल्ट स्टॉक मार्केट से जितनी दूरी बनाए रखे उतना अच्छा, ध्यान देंगे। लिसन भावुक हो गए, पांच क्या थे? पांच आपके कार्टून्स थे, पहला कौन सा? पोकेमॉन। अब सुनो, पीएनएल में कौन से इनकम, पीएनएल में कौन से इनकम क्रेडिट नहीं किए इसकी जानकारी देनी पड़ती है। आपने फिक्स एसेट को बेचा प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया, फिक्स इन्वेस्टमेंट को बेचा प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया, गवर्नमेंट ग्रांट को फिक्स एसेट में एडजस्ट कर दिया, कमाई हुई नॉन कॉम्पिट फीस रिजर्व्स में डाल दिया, कमाई को इंटरेस्ट इनकम को लायबिलिटी में डाल दिया, घुमा रहे हो, पीएनएल में क्रेडिट नहीं मार रहे हो, बस पीएनएल से क्रेडिट को छुपा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है। पोकेमॉन
पीएनएल में इनकम्स को क्रेडिट नहीं किया गया। पोकेमॉन के बाजू में कौन सा है? टॉम एंड जेरी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिलो स्टैंप एक्ट वैल्यू, किसी भी इमुएबल प्रॉपर्टी को अगर आप स्टैंप एक्ट वैल्यू के नीचे ट्रांसफर करते हो तो उसकी जानकारी देनी पड़ती है कि इस एसेट को ट्रांसफर किया, यह ट्रांसफर वैल्यू थी, दिस वॉज पर्टिकुलर ट्रांसफर वैल्यू और उसकी स्टैंप एक्ट वैल्यू। ठीक है, मेरा ट्रांसफर वैल्यू वॉज लेस देन स्टैंप एक्ट वैल्यू। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कम में अगर ट्रांसफर किया है आपने तो उसके डिटेल्स यहां पे देने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे उसको भी। फिर डेप्रिसिएशन के डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं, बहुत ही टाइम पास इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं। फिर अलादीन लिस्ट होती है सेक्शंस की, कभी देखा होगा फॉर्म 3CD, तो लिस्ट होती है, वहां बताना पड़ता है कि असेसी ने अगर किसी भी सेक्शन में अमाउंट अगर क्लेम किया है तो वेदर दैट अमाउंट इज एडमिसिबल, क्या वो अमाउंट डिडक्टेबल है, एडमिसिबल है, डिडक्शन सही है क्या, ये बताना पड़ता है। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में ठीक है भीम, क्या बोनस, वेदर बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज इंक्लूड डिविडेंड, क्या बोनस और कमीशन में डिविडेंड मिलाकर दिया गया है क्या, क्योंकि पता है डिविडेंड पे करना इज वेरी पेनफुल। पहले प्रॉफिट दिखाकर क्या पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स, फिर डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जो शेयर होल्डर्स मेरे एम्प्लॉयज है, छोड़ तेरे को डिविडेंड पे नहीं करता, बदले में तो क्या देता हूं, ठीक है डिविडेंड पैसे डिविडेंड फॉर्म में नहीं दूंगा, डिविडेंड फॉर्म में नहीं दूंगा, उसको बोनस कमीशन के फॉर्म में दूंगा। समझ रहे क्या सब? अगर बोनस कमीशन इंक्लूड्स डिविडेंड तो वो रिपोर्ट करना पड़ता है यहां पे। सर कैसे समझेगा? शेयर होल्डर एम्प्लॉयज और नॉन शेयर होल्डर एम्प्लॉयज का बोनस कंपेयर करो। शेयर होल्डर एम्प्लॉयज का बोनस बहुत ज्यादा दिख रहा है, मतलब इसमें तुमने क्या मिला है, डिविडेंड। क्या मिला है साहब? डिविडेंड। ठीक है क्विकली, पहले चार क्या थे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द असेसी। अगले चार क्या थे? बेसिक्स ऑफ टैक्स। फिर अगले दो, हु इज द ओनर एंड व्हाट इज द बिजनेस। फिर अगले पांच क्या थे? बॉलीवुड मूवीज। फिर पांच क्या थे? कार्टून्स। पोकेमॉन इज फॉर पीएनएल में इनकम्स क्रेडिट नहीं किए। फिर पोकेमॉन के बाजू में ट्रॉमेंजेरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिलो स्टैंप एक्ट वैल्यू, उसके बाजू में डोरेमॉन, दैट इज फॉर डेप्रिसिएशन, इमेज ध्यान में चाहिए। उसके बाजू में अलादीन, दैट इज फॉर एडमिसिबल अंडर वेरियस सेक्शंस। उसके बाजू में भीम, क्या बोनस और कमीशन में, बोनस कमीशन क्या है, डिविडेंड। पूरा गेम साहब इमेज का है, इमेज अगर रिकलेक्ट हुई तो बात बनेगी। फिर रेड कलर का आपको दिख रहा है कौन, डेडपूल। फिर एक चेहरा दिख रहा है कौन सा, आयरन मैन। फिर आपको डार्क दिख रहा है एलियन, प्रेडिएटर। फिर एक चेहरा दिख रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज। फिर एक शील्ड दिख रही है, कैप्टन अमेरिका। क्विकली पहला दिख रहा है आपको डेडपूल के बाद में फिर एक, ठीक है आपको दिख रहा है दैट इज आयरन मैन, उसके बाद में एलियन, प्रेडिएटर, चेहरा डॉक्टर स्ट्रेंज और शील्ड दिख रही है दैट इज कैप्टन अमेरिका। नाउ डेडपूल डेबिटेड टू पीएनएल बट नॉट अलाउड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन से खर्चे हैं जो पीएनएल में डेबिट हो चुके हैं लेकिन असेसी को अलाउड नहीं है, वो यहां रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर आयरन मैन, इंटरेस्ट अंडर MSME एक्ट, अगर आप छोटे लोगों का पैसा रोकोगे तो आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट लगता है, उसके डिटेल्स देने पड़ते हैं और वो टैक्स में अलाउड होता चाहिए, सॉरी इंपोर्ट नहीं है वो, ठीक है टैक्स में अलाउड, आपको डिडक्शन अलाउड नहीं हुआ। प्रेडिएटर पेमेंट टू रिलेटिव्स, जितना भी पेमेंट रिलेटेड पार्टीज को करते हैं उसके डिटेल्स यहां पे देने पड़ते हैं, और अगर वो एक्सेसिव है अगर वो खर्चा जबरदस्ती का ज्यादा पे किया है तो फिर वो खर्चा डिसअलाउ भी होता है, लेकिन यहां पे तो सिर्फ बताना पड़ता है कितना पेमेंट किया। क्विकली, प्रेडिएटर इज फॉर पेमेंट टू रिलेटिव्स, डॉक्टर स्ट्रेंज डीम्ड इनकम,
इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आप डिपॉजिट तोड़ोगे तो आपके हाथ में वो बन जाता है डीम्ड इनकम। तो ऐसा कोई डीम्ड इनकम है यहां बताना है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। फिर कैप्टन अमेरिका चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41, जो चीजें आपको पहले डिडक्शन मिल चुकी थी अगर वो कंडीशन रिवर्स हो जाती है तो आपके हाथ में चार्जेबल हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च एसेट आपने बेच दिया तो आपके हाथ में चार्जेबल हो जाएगा। सारे रिवर्सल्स यहां पे आते हैं, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्विकली पहले चार बेसिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेसी, फिर बेसिक्स ऑफ टैक्स, देन ओनर एंड बिजनेस, पांच बॉलीवुड मूवीज, पांच कार्टून्स, पांच हॉलीवुड मूवीज, ठीक है। ये आपके 10+15 25 क्लॉज हो गए। अब यहां पे जो जैसा मैंने बोला, इट्स अ मैटर ऑफ कंप्लीट, पूरा इमेज का गेम है सब। अगर मैं बोलता हूं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इमेज कौन सा है? चेन्नई एक्सप्रेस। नंबर अपने आप आ जाएगा, पहले कितने हो गए थे 10 और ये 5, कौन सा 15। अगर मैं बोलता हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिलो स्टैम्प एक्ट, टॉम एंड जेरी, पहले कितने थे 10+5 कितने 15 16 17 17 नंबर का क्लॉज है। अगर मैं बोलता हूं डेबिटेड टू पीएनएल बट नॉट अलाउड, डेडपूल 10 10+5 15 15+5 20 और ये 21। बात समझ रहे साहब? इमेजेस अगर आपके दिमाग में है तो क्लॉज नंबर बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएंगे। फिर एंटरटेनमेंट के लिए पहले बॉलीवुड मूवीज हुई, फिर कार्टून मूवीज हुई, उस कार्टून हुआ उसके बाद में बॉलीवुड। अब और एंटरटेनमेंट, तो आजकल पॉलिटिशियन के स्पीच सुनने चाहिए, तो पहले पारिकर साहब है इंपॉर्टेंट। पारिकर साहब के बाजू में चिदंबरम साहब है, दिख रहे यार, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे और अब नहीं रहे, गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, कुछ समय पहले स्वर्गवास हुआ उनका। ध्यान देंगे, पारिकर साहब है, बाजू में कौन है? चिदंबरम साहब, फिर स्मृति ईरानी जी, फिर सोनिया जी और फिर हिलरी क्लिंटन मैडम। ध्यान देंगे, लिसन, अब ध्यान दीजिए। पारिकर साहब कुछ खर्चे पेमेंट बेसिस डिडक्शन, कुछ चीजें सिर्फ पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड है। सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स, एक केस से देखेंगे 43B का। फिर चिदंबरम साहब सेनवैट के डिटेल्स देने पड़ते हैं, सेनवैट की डिटेल्स, कितना ओपनिंग था क्रेडिट, कितना इस बार और अवेल किया, कितना यूटिलाइज किया, कितना क्लोजिंग है। स्मृति ईरानी जी शेयर्स रिसीव्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन, शेयर्स रिसीव्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सोनिया जी, ठीक है, सोनिया जी शेयर्स इशूड, शेयर इशू कर रहे हैं, फेयर वैल्यू 70 रुपए है और हमको 90 रुपए मिल रहे, ज्यादा रुपए मिल रहे, ज्यादा रुपए मिलेंगे तो वो असेसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत आसान है, शेयर सस्ते मिलेंगे तो टैक्सेबल, शेयर इशू करेंगे और पैसे ज्यादा मिलेंगे तो टैक्सेबल। समझ रहे भाई? ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ बाजू में दो इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ और दो आते हैं, 29A और 29B। और आपका जो 29B है दैट इज इंपॉर्टेंट, जितने भी गिफ्ट आपको मिलते हैं, जितने भी गिफ्ट मिलते हैं एक्सीडिंग 50,000, उन सब का टैक्सेबल 29B। अब खास सुन लो, पहले शेयर्स अगर फ्री में मिलते थे तो उनका टैक्सेशन बताना पड़ा था 28 में, स्मृति ईरानी जी वाले क्लॉज में 28 में, अब उसको बताना पड़ता है 29B में। 28 अब इनएक्टिव हो गया है, 1 अप्रैल 2017 से ये इनएक्टिव हो गया है,
अब उसकी रिपोर्टिंग कहां पे होती है? 29B में। बात समझ गए साहब? शेयर्स फ्री में मिलना फेमस केस है, सस्ते में मिलना फेमस केस है। पहले क्लॉज 28 में रिपोर्टिंग होती थी, अब 29B में होती है। इस पॉइंट क्लियर? यस नो? ध्यान देंगे। फिर हिलरी क्लिंटन मैडम हुंडी करेक्ट। अगर इनफॉर्मल इनफॉर्मल कैश में पैसे का लेन देन हुआ है, ठीक है, मार्केट में अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से फेमस है। बेसिकली कैश में अगर डीलिंग्स होती है, कैश में बोरोइंग बोरोइंग या लेंडिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हुंडी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हुंडी। उसको अलग अलग कोई पगड़ी बोलते हैं उसको नाम, और अलग अलग नाम से बोलता है। एक पैसा भी लिया दिया तो पूरा हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 30A, 30B और 30C, ये तीन आए हैं क्लॉज, उसमें 30A इज इंपॉर्टेंट। 30A इज इंपॉर्टेंट। 30A इंपॉर्टेंट है। आजकल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने नया काम किया है, अगर इंडिया से बाहर प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है तो बोले क्या करना? पैसा लाना है। सपोज उनको पैसा इन्वेस्ट करना है इंडिया में 1000 करोड़, तो वो ऐसा बताएंगे इक्विटी में 100 करोड़ लाया और डिबेंचर में 900 करोड़ लाया, क्योंकि अगर पूरा इक्विटी दिखाएंगे तो डिविडेंड पे करना है, एंड डिविडेंड पे करना इज पेनफुल। डिविडेंड पे करना इज पेनफुल। पहले क्या पे करो? इनकम टैक्स, प्रॉफिट दिखाओ, फिर क्या पे करो? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब तो जान दो, अभी अमेंडमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ो, अभी अपने अटे में क्या लगता है वो देखो। अब इससे बचना है तो क्या करना? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाओ। किसमें लगाओ? डेट इंस्ट्रूमेंट। कंट्रोल तो कंपनी का परसेंटेज से है ना। 100 करोड़ के शेयर में 60% शेयर रखूं या 1000 करोड़ में 60% शेयर रखूं, कंट्रोल तो मेरा ही है। समझ रहे भाई? तो इंडिया से पूरा पैसा निकालना इंटरेस्ट के नाम पे, उससे क्या होता है? इंडिया के टैक्स रेवेन्यूज पे इंपैक्ट पड़ता है और उनकी टैक्स सेविंग होती है। तो बोले अब ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा इंडिया से प्रॉफिट आप डाइवर्ट कर रहे हैं, नहीं चलेगी ये बात। तो 30A है जो बोलता है इबिडिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसका 30% इंटरेस्ट रहना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ये यार ये धोखा कर रहे हो इंडिया के साथ, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। समझ रहे साहब? 30A में कितना परसेंट है? 30% है। 30% किसका? एबिडिटा। मैंने जो इंपॉर्टेंट बात थी बता दी। नाउ लिसन क्विकली, 5 कौन थे साहब? पॉलिटिशियन कौन कौन? पारिकर साहब, चिदंबरम साहब, स्मृति ईरानी जी, सोनिया जी, हिलरी क्लिंटन मैडम। फिर ध्यान देंगे, फिर अब और एंटरटेनमेंट चाहिए तो जू गए। पहले कौन है? लायन, इंपॉर्टेंट लायन है। उसके बाजू में कौन है? लेपर्ड। और जब मैं इंपॉर्टेंट बोलू तो वो रिसर्च मत मारना, जो केसेस आपके क्वेश्चन बैंक में सिर्फ उत्ते कर लेना, नहीं तो एक एक क्लॉज अपने आप में ओशन है। इतने गोते खाऊंगे बाहर निकलूंगी नहीं एक क्लॉज के। मैं कुछ लोग खासकर जिनको अभी किसी का पहला एग्जाम एग्जाम होगा, ठीक है, बहुत इनडेप्थ पढ़ने की इच्छा जाग रही होंगी, तो फिर इतना घूमोगे गोल गोल एक ही क्लॉज में 3-4 घंटे लग जाएंगे, फिर समझेगा 3-4 घंटे में मैं कहीं नहीं पहुंचा। ठीक है, जितने केसेस है उसके ऊपर ही आपको टिकना है। दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, एफिशिएंट इफेक्टिव रहेंगे आप। क्विकली, पहले कौन है? लायन। उसके बाजू में कौन है? लेपर्ड। देखो साइज छोटा हो रहा है। फिर कौन है? डॉग। फिर बाजू में टॉर्टोइज, और जू के बाहर गोट। गोट थोड़ी जू में रहती। नाउ लिसन, लायन, लोन्स एंड डिपॉजिट्स, जितने भी लोन्स एंड डिपॉजिट्स आप ले रहे हो, करेक्ट, अगर इफ दे एक्सीड 20,000, इफ दे एक्सीड 20,000, तो वो प्रिस्क्राइब मीडियम में होने चाहिए। ठीक है,
डीडी चेक कैसे होने चाहिए, अकाउंट पे ही या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। समझ रहे क्या साहब? कोई भी लोन डिपॉजिट आपने लिया है जिसका साल भर में इंडिविजुअल पार्टी से एग्रीगेट अमाउंट इज एक्सीडिंग 20,000, उसके वो डिटेल्स यहाँ पे देने पड़ते हैं। ठीक है, लोन डिपॉजिट लेना रीपे करना की डिटेल्स यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट किसी भी पार्टी से अगर आपने कैश लिया है 2 लाख के ऊपर, लोन का नहीं बाकी रेवेन्यू वगैरह, उसके भी डिटेल्स देने पड़ते हैं। कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक, लेकिन ठीक लगता है ये क्लॉज। नाउ आप क्लॉज नंबर तो भी याद रखेंगे पहले, फिर उसके बाद इतने केसेस करेंगे काफी बेटर फील करेंगे, हाँ भाई मुझे आता तो है कौन सा क्लॉज कहां लगता है। नाउ क्विकली, लायन इज फॉर लोन्स एंड डिपॉजिट, लेपर्ड इज फॉर लॉसेस, लॉसेस की डिटेल्स देने पड़ते हैं। देन उसके बाजू में डॉग इज फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन की डिटेल्स देने पड़ते हैं, कुछ खास नहीं। फिर टॉर्टाइज फॉर टीडीएस, टीडीएस समय पे भर रहे हैं उसका रिटर्न बराबर फाइल कर रहे हैं, उसके डिटेल्स देने पड़ते हैं। करेक्ट। नाउ फिर उसके बाद में देन वी हैव, ठीक है, गोट गुड्स के क्वांटिटेटिव डिटेल्स, मॉनिटरी वैल्यूज को मैनिपुलेट करना आसान है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स को मैनिपुलेट करना मुश्किल है। तो क्वांटिटेटिव डिटेल्स यहां पे देने पड़ते हैं। क्वांटिटी वाइज रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेस कितना था, कंजम्पशन कितना है, क्लोजिंग कितना है, ये आपको बताना पड़ता है। ट्रेडिंग है तो फिनिश गुड, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड दोनों की डिटेल्स देने पड़ते हैं, कुछ खास नहीं। जब तक इंपोर्ट मार्क नहीं करूं तब बकवास है। फिर उसके बाद में पैसा किसमें खर्च किया इन्होंने, येलो कलर का आपका साइन है वहां पे, कौन सा है, डॉलर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीटी की डिटेल्स तो 36A, यहां पर और एक है डीम्ड इनकम, डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड के डिटेल्स देने पड़ते हैं 36A में। फिर कैनेडियन डॉलर, उसके बाजू में यूरो, वो प्रेडिएटर नहीं, यूरो, यूरो और लिखा के है शिलिंग बोलते हो, केनिया की करेंसी है शिलिंग, तीनों कनेक्टेड है एक मिक्स है। कैनेडियन डॉलर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, यूरो एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट, के वाला क्या है केनिया, शिलिंग सर्विस टैक्स रिपोर्ट, ये जो तीनों रिपोर्ट्स है, ठीक है, ये जो तीनों रिपोर्ट्स है, ऑल द थ्री रिपोर्ट्स, ये हमने पढ़ना है। इसमें कोई भी निगेटिव बात लिखी है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है निगेटिव बात लिखी है, तो वो बात आपको ये क्लॉजेस में लिखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन है, एडवर्स कमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट में कुछ है तो वो लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। एक केस है उसके ऊपर, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट बोलता है नहीं लिखना पड़ता, हम बोलते लिखना पड़ता, आंसर इज लिखना पड़ता, बस इतने केस में खत्म हो जाता है वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर आपका रुपी, दैट इज फॉर रेशियोस, रेशियोस की इंफॉर्मेशन देने पड़ते हैं। फिर आखिरी में चार तरह के बैंक से पैसे निकाले, डॉइशे बैंक, साल भर में कितने डिमांड रिफंड निकले उसकी डिटेल देने पड़ते हैं। बाजू में इमेज कौन सा है, सिंडिकेट बैंक, कुत्ता बैठा है, डॉगी, क्या स्टेटमेंट फाइल किया गया, क्या फाइल किया, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अंडर 61A 61B, क्या होते हैं स्टेटमेंट्स, ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए बिना पैन के, बहुत से ट्रांजैक्शन क्या लगता है आपको, पैन, लेकिन एग्जेम्पशन है उसके, तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है इतने ट्रांजैक्शन हमने किए बिना पैन के क्या एग्जेम्पशन थे बताओ। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन 61A में सिग्निफिकेंट वैल्यू, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू ट्रांजेक्शन है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, उसकी जानकारी देनी पड़ती है। तो क्या असेसी समय समय पे बिना पैन के ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट वैल्यू ट्रांजेक्शन की जानकारी गवर्नमेंट को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो बापे बताना पड़ता है। आरबीएल बैंक रिपोर्ट अंडर सेक्शन 286, MNCs, जो पूरे दुनिया में फैले हुए MNCs, अगर उनकी रिपोर्टिंग एंटिटी इंडिया में है तो क्या उन्होंने पूरे जानकारी दी क्या पूरे ग्रुप की। यूएन ने बोला है हर MNC को अपनी एक रिपोर्टिंग एंटिटी तय करनी चाहिए, और जिस देश में वो एंटिटी है
उस देश के गवर्नमेंट को पूरी जानकारी देनी चाहिए कि हम पूरे दुनिया में किस तरीके से काम कर रहे हैं. ओवरऑल रिपोर्टिंग अंडर 286 बोलते हैं, बंधन इज फॉर ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर. ये क्लॉज तो अभी लगा ही नहीं है. खर्चों का ब्रेकअप देना पड़ता है, कितना खर्चा विद जीएसटी है, कितना विदाउट जीएसटी एंड सो ऑन. क्विकली पहले क्या थे आपके 10, उसके बाद 5 बॉलीवुड मूवीज, 5 कार्टून, फिर 5 हॉलीवुड, फिर 5 पॉलिटिशियन, फिर 5 ठीक है, फिर आपके एनिमल्स, फिर आपके करेंसीज, उसके अंदर 4 बैंक्स, और बीच में जो सोनिया जी 29A 29B, हिलरी क्लिंटन 30A 30B 30C, उसके बाद में डिविडेंड 36A, इनके वजह से 44+6 ऐसे टोटल 50 क्लॉज होते हैं. जीएसटी ऑडिट कोई क्लॉज में नहीं आता. जीएसटी ऑडिट हाँ, मतलब ये क्लॉज का पूछे थे कि चैप्टर का पूछे थे. कोई क्लॉज में जीएसटी ऑडिट नहीं आता. जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है क्लॉज नंबर 4 में. नाउ लिसन, तो हम लोगों ने 44AB पढ़ा और हम लोगों ने 50 क्लॉजेस को दिमाग में फिट किया. ध्यान देंगे अब फटाफट. अब ऐसा लिखा है कि एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है? मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन का. ध्यान देंगे साहब, मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन काम कर रहा है, उसके लिए प्रिजेम्प्टिव बेसिस टैक्सेशन है. क्या है? प्रिजेम्प्टिव बेसिस टैक्सेशन. बंदा बेटा प्रिजेम्प्टिव पे चलना है, चल ले. नहीं चलोगे तो तेरा क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा. ध्यान देंगे, अगर ऑडिट करवाना है बेटा तेरा, तो तेरा ऑडिट होता है सेक्शन 44AB के क्लॉज सी में. किसमें साहब? किसमें? 44AB के क्लॉज सी में. मैंने अभी आपको गिनवाया था क्लॉज नंबर 8. पहले क्या 4 क्या थे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेसी. फिर 4 क्या थे? बेसिक्स ऑफ टैक्स. उससे मैंने आपको बोला था क्लॉज नंबर 8, आपको फॉर्म 3CD का क्लॉज नंबर 8 वहां पे बताना पड़ता है 44AB का कौन सा क्लॉज. तो यहां आप ध्यान रखिए, जब भी प्रिजम्प्टिव बेसिस का कोई भी आता है क्वेश्चन, तो उसका क्लॉज नंबर अलग होता है रेगुलर से. तो आपको क्लॉज नंबर वहां बताना चाहिए, या प्रिजम्प्टिव बेसिस है 44AB, उसका ऑडिट होता है क्लॉज सी में. किसमें होता है? क्लॉज सी में. तो बताना पड़ेगा आपको. सुन लीजिए वापस, यहां पे ऐसा लिखा है कि नॉन रेसिडेंट इंडिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है, उसके लिए 44AB अवेलेबल है, उससे कम टैक्स भरना चाहता है, तो तेरा ऑडिट होता है 44AB के क्लॉज सी में. तो जो हम लोग क्लॉज 8 लिखेंगे, वहां बताना पड़ेगा, क्लॉज 8 में बताना पड़ेगा कि भाई साहब सेक्शन 44AB के क्लॉज सी में तेरा ऑडिट हो रहा है. तो जब भी कोई प्रिजम्प्टिव बेसिस आए, तो क्लॉज नंबर अच्छे से लिखना, 44AB का क्लॉज नंबर अच्छे से लिखना. समझ रहे क्या भाई? कोई भी कौन सा क्वेश्चन है? प्रिजेम्प्टिव बेसिस. कौन सा क्वेश्चन है? प्रिजेम्प्टिव बेसिस. जब भी प्रिजेम्प्टिव बेसिस का क्वेश्चन आता है, 44AB का क्लॉज नंबर बदल जाता है. 4-5 क्लॉज होते हैं. कितने क्लॉज साहब? 5 क्लॉज. इतने बार मैंने बोला लिखी डालो, क्योंकि चेहरे ठीक है. 44AB का क्लॉज ए है, बिजनेस के लिए लिमिट कितनी है? 1 करोड़. आपका बी प्रोफेशन के लिए है, लिमिट कितनी है? 50 लाख. आपका सी 3 सेक्शन के लिए, ए ई 44AE, BB, BBB. अगर तुम प्रिजेम्प्टिव पे नहीं गए, तो तुमको ऑडिट करवाना पड़ेगा क्लॉज सी में. डी इज फॉर स्मॉल प्रोफेशनल्स. स्मॉल प्रोफेशनल्स ADA में आते हैं. वो किसमें आते हैं? ADA.
स्मॉल प्रोफेशनल्स अगर प्रिजेम्प्टिव बेसिस पे नहीं चलेंगे तो उनको ऑडिट कराना पड़ेगा, कौन से क्लॉज में? डी में. और स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेस को अगर आपका प्रिजेम्प्टिव बेस पे नहीं जाना तो उनको कम, अगर कम टैक्स पे करना है तो ऑडिट कराना पड़ेगा, 44 एडी में. क्लॉज कौन सा है? ई. अरे इमेज नंबर भी लिखना पड़ेगा, 44 ए बी और फिर ब्रैकेट में. 44 ए बी के क्लॉजेस है, सबसेक्शंस नहीं है. क्लॉज 8 ऑफ 3CD में लिखना पड़ता है कि 44 ए बी के कौन से क्लॉज में ऑडिट हो रहा है, क्योंकि जो प्रिजेम्प्टिव बेसिस ऑडिट्स होते हैं वो मतलब लोग उस पर छोटे असाइनमेंट्स है, गवर्नमेंट वाले उस पर इतना ध्यान देते नहीं है. बात समझ रहे साहब? अब यही पे चलो ध्यान दो, बाद में देखेंगे. क्विकली, नॉन रेसिडेंट इंडिया में क्या कर रहा है? ऑयल एक्सप्लोरेशन, तो प्रिजेम्प्टिव लग जाता है उसको, तो बताना पड़ेगा कि 44 ए बी के कौन से क्लॉज में भाई साहब का ऑडिट हो रहा है. पहला, और मैंने बताया था परमाणु, परमाणु प्रिजेम्प्टिव बेसिस, तो क्लॉज नंबर 12 का भी रेफरेंस कि अगर पीएनएल में प्रिजेम्प्टिव बेसिस की कोई भी इनकम है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि हमारे पीएनएल में 20 लाख का प्रॉफिट ऐसा है जो प्रिजेम्प्टिव बेसिस टैक्सेशन में लगता है. बात समझ रहे? ताकि एसएससी ऑफिसर उसको अलग करके उसका ट्रीटमेंट ही अलग करे. हवा लगी भाई? प्रिजेम्प्टिव बेसिस आया तो सही क्लॉज बताना पड़ेगा, किसका? 44 ए बी का. कहां पे? क्लॉज 8 में. और प्रिजेम्प्टिव प्रॉफिट कितना है पीएनएल में यह बताना पड़ेगा, कहां पे? क्लॉज 12 में. तो प्रिजेम्प्टिव आया तो दो क्लॉज क्लिक होने चाहिए, 8 और 12. हवा लग रही है क्या भाई? कि सर तुम ही तुम हो. आइए 536 पे. क्लॉज नंबर 16 याद आ रहा है? 10, 10+5, 15 कार्टून था पोकेमॉन. पीएनएल में कौन सी इनकम क्रेडिट नहीं किए? ध्यान देंगे सब. असेसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में है, हर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है, कौन सा? एस्केलेशन क्लॉज, कि अगर महंगाई बढ़ गई तो हम उसके लिए आपसे ज्यादा पैसे लेंगे, ज्यादा चार्ज करेंगे. दैट इज एस्केलेशन क्लॉज. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस नो? ध्यान देंगे. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि महंगाई बढ़ गई तो आप एस्केलेशन का पैसा चार्ज कर सकते हो. कंडीशन फुलफिल हो गई, असेसी ने एस्केलेशन का पैसा चार्ज कर दिया है, मतलब क्लेम चार्ज वो कि भाई एस्केलेशन के पैसे चाहिए. सामने वाले बंदे ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है. अब अगर ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एस्केलेशन की बात लिखी थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, उसने क्लेम किया भी और सामने ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब उसको पैसे मिलने वाले. यस नो? मतलब रेवेन्यू ड्यू हो गया ना, रेवेन्यू ड्यू हो गया. अब तो उसने इस इनकम को अपने पीएनएल में बता देना चाहिए था. अगर पीएनएल में नहीं बताया तो गलत बात है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्लॉज नंबर 16 इज पोकेमॉन. पीएनएल में कौन से इनकम क्रेडिट नहीं किए? बहुत आसान. अगर एस्केलेशन क्लॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड था,
इफ इट वॉज कवर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड था और आपने क्लेम किया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, अब आपने उसकी इनकम बुक करनी चाहिए, नहीं किया तो यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि पीएनएल में इनकम्स नॉट क्रेडिट टू, इनकम्स नॉट क्रेडिट टू पीएनएल, समझ रहे क्या भाई? एस्केलेशन क्लेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए प्लस क्लेम एक्सेप्टेड होना चाहिए, बात समझ रहे? अगर ये किसके लिए, अगर असेसी अक्रूअल बेसिस पे चलता है, किस पे चलता है? अक्रूअल बेसिस। अगर असेसी कैश बेसिस पे चलता है, अरे भाई छोड़ ही दो फिर तो भाई, जिस दिन पैसे मिलेंगे उस दिन अकाउंटिंग होगी। लेट्स फ्रीज, कहानी फ्रीज कर रहा हूं। एस्केलेशन क्लेम में आपको पहले बोलना है वी हैव टू सी विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग असेसी फॉलोज, इफ ही फॉलोज अक्रूअल बेसिस टू कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, इट शुड बी गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम शुड बी मेड एंड एक्सेप्टेड, ऐसे इसमें रेवेन्यू शुड बी बुक, नहीं किया तो हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर कैश बेसिस है, अरे साहब जब तक पैसे नहीं मिलते अब तक कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, बात समझी क्या साहब? क्विकली क्लॉज 16 किसके लिए साहब? पोकेमॉन, दैट इज फॉर पीएनएल इनकम्स नॉट क्रेडिटेड। उसमें एक एग्जांपल कौन सा है? एस्केलेशन क्लेम। दो मेथड के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, कौन सा? अक्रूअल और कैश। अगर अक्रूअल बेसिस पे चल रहा है एसएससी, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इनकम बुक करो नहीं तो रिपोर्ट कर देंगे। कैश पे है तो भाई ठीक है, जब तक पैसे नहीं मिलते अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। आइए 543 पे, जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उतने क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, जितने क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं उसके उतने क्वेश्चन अच्छे से कर लो, उस पर कमांड लेके आ जाओ, ग्रिप आ जानी चाहिए। फिर एक बार इतना हो गया, उसके बाद उस चैप्टर के मुझे और कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मुझे क्या क्या आता है, कौन से इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं उसको भी जोड़ लो, जितना खुद को आता है उतना नॉलेज और जोड़ लो। बड़े बड़े क्वेश्चन अजीबोगरीब विचित्र सुना नहीं कुछ मैंने कभी, मत करो उसको। पहले जितना क्लास में गया उतना कर लिया, जितनी चीजों का मुझे नॉलेज है उतनी चीजें और ऐड कर ली, नोट्स में जितनी चीजें आती उसको मार्क कर लिया, मेरा एक बंच बन गया, इस बंच को रिवाइज कर दो बार, और अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं क्वेश्चंस को ऐड करते जाएंगे। क्वेश्चन को ऐड किया, अगले रिवीजन में उसको देख लिया, अगले रिवीजन में उसको देख लिया, एंड सो ऑन। बात समझ रहे क्या भाई? साहब ऑडिट बहुत वॉल्यूमनस है, वो आपको अंदाजा थोड़ा 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 ध्यान देंगे। डेडपुल डेबिटेड टू, अरे जवाब देंगे, डेडपुल इज फॉर डेबिटेड टू पीएनएल बट नॉट अलाउड एज एक्सपेंडिचर, दैट इज क्लॉज 21। बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में, कैश पेमेंट एक्सीडिंग अ पर्टिकुलर लिमिट, कितनी लिमिट है? 10,000। 20,000 हुआ करती थी, अब हो गया 10,000, 10,000 की। और अगर प्लाइंग का बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का तो 35,000, वो चेंज नहीं हुआ, वो 35 है अभी। एकदम इतना टाइम पास क्वेश्चन है, इतना टाइम पास ही क्या बताओ, कितना टाइम पास है। पेमेंट ऑफ 6 इनवॉइसेस ऑफ 5,000, आप सिंपल रूल है, पर पार्टी पर डे, पर पार्टी पर डे अमाउंट शुड नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट। अब यहां पे 6 इनवॉइस 5,000 के कितना हो गया? 30,000। ये प्लाइंग वाला बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, लिमिट कितनी होगी? 35,000 विद इन लिमिट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट करने की जरूरत
नहीं है, पेमेंट ऑफ टू इनवॉइसेस 18,000 ईच, मेड इन कैश टू मिस्टर वाई ऑन 5 जुलाई एंड 6 जुलाई रिस्पेक्टिवली. एक दिन 18,000 का पेमेंट किया, अगले दिन 18,000 का, पर पार्टी पर डे की लिमिट है, वापस लिमिट क्रॉस नहीं हुई, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. फिर 40,000 का पेमेंट है, लिमिट टूट गई, तो भैया ये तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लॉज 21 में कि आपने लिमिट को तोड़ दिया. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस नो? अच्छा, और एक चीज में देखो, क्लॉज के अंदर सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे सेक्शन नहीं, जो क्वेश्चन में सेक्शन कवर हुआ देख कवर कर लेना. इस साल का खर्चा, सपोज इस साल खर्चा है, खर्चा इस साल का है, तो उसको लिमिट लगती है? यस नो? 10 और 35 की लिमिट लगती है. और जिस सेक्शन में वो डिसअलाउ होता है, दैट इज 40A3. अगर पिछले साल खर्चा है, खर्चा पिछले साल का है लेकिन पेमेंट इस साल हो रहा है, लिमिट क्रॉस होगी तो डिसअलाउ होता है क्या? पेमेंट कब का है? कब का है? खर्चा किसका है? लास्ट ईयर का. पेमेंट इस साल हो रहा है, लिमिट के ऊपर गया तो डिसअलाउ होता है क्या? यस, 40A3A में. तो टाइम पास है बहुत. करंट ईयर का खर्चा अगर तुम लिमिट के ऊपर कैश पे करोगे तो डिसअलाउ होता है 40A3 में. पिछले साल का खर्चा है और तुमने इस साल पे किया कैश में ज्यादा में, तो वो डिसअलाउ होता है 40A3A. 3 इज फॉर करंट ईयर, 3A इज फॉर लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर. फाइव फोर्टी फाइव. कभी कभी अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो भी आप बच सकते हो, इफ इट इज अलाउड इन एक्सेप्शंस ऑफ रूल 6DD. एक्सेप्शंस है, एग्जेम्पशंस है कुछ. तो यहां पे ऐसा बोला है, अरे मैंने उसको कैश में पे किया क्योंकि उसके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी. सिंस अदर पार्टीज इंसिस्टेड अपॉन द सेम, अदर पार्टीज इंसिस्टेड अबाउट द सेम एंड डिड नॉट हैव बैंक अकाउंट, चलेगा क्या? यस नो? इंस्टीट्यूट ने ऐसा अज्यूम किया है कि ये जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन मतलब झूठी है, गलत इंफॉर्मेशन है, अनरिलायबल है, ऐसा माना. सो इट इज नॉट अ वैलिड रीजन. ठीक है, एक्सेप्शन में नहीं आएगा, इट विल नॉट बी कवर्ड इन एक्सेप्शन, डिसअलाउ होगा खर्चा, इसलिए मैंने वो मार्क भी किया है. देखो क्या लिखा है, इन द गिवन केस द टैक्स ऑडिटर हैज फाउंड दैट द फॉर्म 3CD कंटेन्स द इनकम्प्लीट मिसलीडिंग एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन. बोले जो इंफॉर्मेशन लिखी है झूठी इंफॉर्मेशन है, और झूठी इंफॉर्मेशन है तो उनको ऐसी डिडक्शन मिलने वाला, एग्जेम्पशन उनको मिलने वाला नहीं है. और वो पूरी कंडीशन फुलफिल भी नहीं होती कि नो बैंक फैसिलिटी वाली, तो वो भी 6DD के अंदर भी उनको कोई एक्सेप्शन मिलने वाला नहीं है. ध्यान देंगे. अब ये कहां से आया सर कि इंफॉर्मेशन गलत थी? क्वेश्चन में तो कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने अज्यूम कर लिया. अरे अब वो फिर तो सोचना ही नहीं है, याद नहीं है तो फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ. बराबर. तो नो बैंकिंग, तो बेसिकली एंड रिजल्ट इज, अच्छा बैंकिंग फैसिलिटी, आप लोग अब टैक्स ज्यादा जानते हो, बैंकिंग फैसिलिटी में ऐसा एग्जेम्पशन मिलता है? लेकिन और भी कंडीशन अटैच्ड है, वो एरिया में ऐसा, वो एरिया ऐसा एरिया वगैरह होना चाहिए.
तो इंस्टीट्यूट ने माना है कि मतलब वो ऐसा कोई एरिया नहीं है, कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है, तो एग्जेम्पशन भी मिलने वाला नहीं है, ध्यान देंगे। तो इसमें बेसिकली इंस्टीट्यूट ने माना कि सब झूठ बोल रहे, मनगढ़ंत कहानियां हैं, इट्स अ फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, करेक्ट, और वो एरिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो बेसिकली उसको एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है। खर्चा क्या हो जाएगा? डिस अलाउ। ओके भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नवंबर 19 आरटीपी, नवंबर 19 एमटीपी, 546.10, और किसी को कॉन्सेप्ट नंबर सुबह मुझे बताया गया, कॉन्सेप्ट नंबर बोलो बराबर। तो अगर सही में अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन, तो सर सीएनओ, तो मैं बोल दूंगा सर सीएनओ कौन सा, ध्यान देंगे। 43B, पेमेंट बेसिस रिडक्शन, पारिकर साहब ठीक है, ध्यान देंगे। वहां पे आपके जो टैक्सेस है, जैसे जीएसटी है, आपका जीएसटी है, जीएसटी का आपको डिडक्शन मिलेगा कौन से बेस पे? पेमेंट बेसिस पे। पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। सुनो, अब क्या बताना पड़ता है आपको, बताना पड़ता है नाउ कितना खर्चे का कितना ओपनिंग बैलेंस है जिसका पेमेंट हुआ नहीं है। खर्चे कितना ओपनिंग बैलेंस है जिसका पेमेंट नहीं हुआ, इस साल पेमेंट होगा तो उसका रिडक्शन मिलेगा, समझ रहे क्या भाई? कुछ खर्चे कौन से बेस पे होते हैं, जवाब देंगे। अरे कुछ खर्चे किस पे होते हैं? पेमेंट बेसिस पे। तो ब्रेकअप देना पड़ता है ठीक है, उसके भी पहले बता दूं, करंट ईयर कितना खर्चा है, कितना पेमेंट आपका टाइम पे हो गया, रिटर्न फाइल करने के पहले 30 सितंबर तक आपका कितना पेमेंट हो चुका है, उत्तर रिडक्शन मिल जाएगा। यस नो? यस नो? अरे भाई लोग ऐसे कि मैं कोई इनसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, एलियन लैंग्वेज बोल, जवाब भी नहीं दे रहे। 43B, पेमेंट बेसिस डिडक्शन, वहां पे आपको बताना पड़ता है कितना करंट ईयर का खर्चा है, उसमें से कितना पेमेंट हो चुका है, वो डिडक्शन मिलेगा, कितना अभी क्लोजिंग बैलेंस बाकी है। और एक चीजें बतानी पड़ती है ठीक है, पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, उसमें से कितना हम लोगों ने पे कर दिया है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, बात समझ रहे? दो बातें बतानी पड़ती है, ओपनिंग की कहानी क्या चल रही है और करंट ईयर एक्सपेंस की कहानी क्या चल रही है, ऐसी दो बातें बतानी पड़ती है, समझा क्या भाई? यस नो? नाउ लिसन, ध्यान देंगे। वैट जीएसटी ऐसा बोला है वहां पे, पॉइंट नंबर वन देखो, ध्यान देंगे। देखो बहुत बहुत ही आसान है, आरटीपी एमटीपी में आया, बहुत चिल्लर, अति अति चिल्लर ऐसा लिखा हुआ है ठीक है, 17-18 मतलब पिछला साल है, लास्ट ईयर, उसका 200 लाख जीएसटी पेबल कितना था? 200 लाख। पिछले साल का बोल रहा है, पिछले साल का जीएसटी खर्चा कितना था? 200 लाख। उसमें से 100 लाख वॉज पेड बाय 15 सितंबर, पिछले साल 15 सितंबर, मतलब डेडलाइन क्या होती है? 30 सितंबर। 30 सितंबर तक पेमेंट करोगे तो डिडक्शन? अरे यस नो? पिछले बार का टैक्स कितना है? 200। पिछले बार की लिमिट तक कितना पे कर दिया? 100। मतलब कितना अनपेड है? 100। 100 अनपेड है जिसका डिडक्शन मिला नहीं है। तो आपके इस साल जो डिस्क्लोजर आएगा वहां दिखेगा पिछले साल का 100 अभी भी पेंडिंग है, ऐसा वो ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। क्या दिखेगा? ओपनिंग बैलेंस। फिर लिखा है इस साल कितना पे किया, 31 मार्च तक जितना पे किया उसके रिडक्शन मिलता है। ओपनिंग का पेमेंट कब तक होना चाहिए? 31 मार्च। 31 मार्च तक पे करोगे तभी रिडक्शन मिलेगा।
31 मार्च तक कितना पे किया? 50, उसका रिडक्शन मिलेगा। अभी भी कितना बाकी है? और 50, मतलब ओपनिंग के लिए लिमिट नहीं मिलने वाली सितंबर तक, समझ रहे क्या? ओपनिंग के लिए लिमिट कब तक मिलेंगी? सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की। अभी हम देखेंगे तो और समझेगा। पिछले साल का खर्चा कितना है साहब? 200। अरे कितना खर्चा है? 200। पिछले बार की लिमिट तक कितना पे कर दिया? 100। कितना अभी तक ओपनिंग, कितना हमको रिडक्शन नहीं मिला है? 100। फाइनेंशियल ईयर तक कितना पे कर दिया? 50। 50 अभी बाकी है। देखो यहां पे आंसर में दिख रहा है, आपको ऐसा बताना पड़ता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 100 है जिसका डिडक्शन अभी तक मिला नहीं है। फाइनेंशियल ईयर में कितना पे कर दिया? 50, उसका डिडक्शन मिलेगा। और अभी और कितना बाकी था? 50। मतलब ओपनिंग के लिए सितंबर तक का टाइम मिलता नहीं है। अब इस साल की कहानी दी है, करंट ईयर, करंट ईयर का 100 है, कितना है भाई? 100। कितना पे कर दिया? 40। कब तक पे किया? मई। और 60 लाख अभी पे किया नहीं है। तो ऐसा दिखेगा, वो हेडिंग्स वेडिंग याद नहीं रखने हैं, इतने पूरे लंबे चौड़े हेडिंग याद नहीं रखने, सिंपल करंट ईयर खर्चा कितना है? 100। 30th सितंबर तक कितना पे कर दिया? 40, उसका रिडक्शन मिलेगा। 60 का मिलने वाला नहीं है, मतलब इस साल दो रिडक्शन मिलेंगे, एक 50 लाख का मिलेगा और एक 40 लाख का मिलेगा। ऐसा प्रेजेंटेशन कि ओपनिंग कितना रिडक्शन नहीं मिला उसका हिसाब किताब बताओ, करंट ईयर का कितना है उसका हिसाब किताब बताओ। बात समझी के साहब? पे आओ, हमने डिस्कस किया था सोनिया जी, इफ शेयर्स आर इश्यूड और आपको फेयर वैल्यू से भी ज्यादा मिल रहे, बहुत ही हो गया, फेयर वैल्यू से भी ज्यादा, मतलब इन शॉर्ट आपको गिफ्ट ही मिल रहा है, तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा साहब? टैक्सेबल। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, और उसमें ऐसा हो रहा कि फेयर वैल्यू से ज्यादा पैसा मिल रहा, मतलब गिफ्ट ही मिल रहा है, एसएससी के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो यहां पे लिखा है फेस वैल्यू 10, कंसिडरेशन रिसीव 80 पर शेयर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी गेम खेलते प्रीमियम लिख देते, क्या लिखते साहब? प्रीमियम, समझ रहे क्या भाई? अगर प्रीमियम लिखते तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इश्यू प्राइस निकलता, समझा क्या बोल रहा हूं? यस नो? लेकिन यहां पे वर्ड कौन सा यूज किया? कंसिडरेशन रिसीव, कंसिडरेशन रिसीव। 80 रुपए मिल रहे हैं, फेयर वैल्यू कितनी थी? 60। कितना आधा मिल रहा? 20। कितने शेयर पे? 1 लाख। 20 × 1 लाख 20 लाख। 20 लाख टैक्स हो जाएगा एसएससी के हाथ में। शेयर्स अगर इशू किए जा रहे हैं फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा रुपए मिलेगा उतना टैक्स हो जाएगा एसएससी के हाथ में। बात समझिए सब? क्लॉज 29, आइए नेक्स्ट 550.0। देखो जो जो बस ये सोचना, यही आने वाला है, यही आने वाला है, पांच पांच मार्क जुड़ते जा रहे हैं, 50 क्या? बहुत बढ़िया, 800 इधर से मिल गए बोले। असर पड़ गया अभी, ध्यान देंगे। नाउ लिसन, ब्रेक कितने बजे हुआ था? 2:15 वी स्टार्टेड, अभी 3:30, सवा घंटा ही हुआ है सर, सवा घंटा हो गया।
क्या हटा दो, एसी बंद करवा दे, ध्यान देंगे, चलो फटाफट खत्म कर रहे हैं टैक्स सुनेंगे, लिसन टैक्स रेट खत्म कर रहे हैं ना, लिसन सुनिए, स्पेकुलेशन लॉस एक ही क्वेश्चन है वो लॉस का सुनो। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका मेन काम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेन काम शेयर ट्रेडिंग नहीं है, मेन काम आपका इन्वेस्टमेंट की कमाई इंटरेस्ट का कमाई नहीं है, और वो कंपनी अगर मतलब वो खास मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऐसी कोई कंपनी होगी, वो कंपनी अगर शेयर्स में कोई भी डीलिंग करती है और कोई भी लॉस अगर होता है तो उसको स्पेकुलेशन लॉस मान लेते हैं। अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, इंटरेस्ट वाली कंपनी नहीं है, शेयर्स डिबेंचर वाली कंपनी है, फिर भी अगर उसने शेयर्स में डील किया और उसमें जो लॉस आएगा उसको क्या नाम देते हैं, स्पेकुलेशन लॉस। उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे आपको लेपर्ड में, बराबर 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 5 30, 31, 32, 32 क्लॉज में आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, देखिए पूरे टॉपिक या चैप्टर ड्रॉप करने से अच्छा है कुछ क्वेश्चन तो पढ़ ले, जितना कम से कम, एंड यू हैव टू बी ऑफ स्ट्रांग माइंड कि भाई जितना समय उसको अच्छे से यूज कर ले, जितना है उतना पढ़ ले, नहीं तो ऐसे छोड़ते जाएंगे बहुत कुछ छूट जाएंगे, बराबर। ध्यान देंगे तो ऐसा लोड, अरे मैं समझता हूँ समय कम होता है, ठीक है, अगर समय कम है तो आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो कुछ चीज़ें, मतलब अब जो शायद हमने क्लास में जितनी पढ़ी उतनी तो कर ही लेना। हाँ भाई, इसके अलावा और क्वेश्चंस के लिए समय नहीं बच रहा है तो वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, करेक्ट। जितने क्वेश्चन मैं बोला था 250 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं दे आर गुड, दे आर इम्पोर्टेंट, उस पर अच्छा कमांड होना चाहिए, लेकिन कोई एक ग्रुप वाला बंदा है वो बोलता है मैं सिर्फ वो 250 करके जाता, 250 करे अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है आपके पास समय है कि आप इससे थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, समय होने के बावजूद भी आप इससे ज्यादा नहीं करना चाहते, आई विल नॉट सपोर्ट दैट, ठीक है, समझ रहे क्या भाई, करेक्ट। मतलब अगर हम क्वेश्चन बैंक 250 की बनाते बोले उसमें से भी 50 ही बता दो बराबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो मार्क करो वो 250 इसमें इंक्लूड है जो मैं करवा रहा हूं, ध्यान देंगे। लिसन, स्पेकुलेशन लॉस, अगर कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग वाली कंपनी है, अगर वो किस में डील करती है, शेयर्स, जो भी प्रॉफिट लॉस हो क्या मानेंगे उसको, स्पेकुलेशन, और उसको डिटेल देना पड़ेगा लेपर्ड वाले में, वो डिसअलाउ हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 553, ध्यान देंगे। लिसन, मैनेजमेंट बोलता है कि भाई तेरे को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्यों चाहिए, हम नहीं देंगे, एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट क्यों चाहिए, हम नहीं देंगे, तेरे को सर्विस टैक्स रिपोर्ट क्यों चाहिए, विल नॉट गिव, तो उसको बताना है ऐसा नहीं है साहब, क्लॉजेस है, ठीक है, क्लॉजेस है आपका, कैनेडियन डॉलर बाजू में क्या था, यूरो बाजू में क्या था, शिलिंग, के केनिया का शिलिंग, बोले साहब हमारे तीन क्लॉजेस है, 37, 38, 39, ये तीन क्लॉजेस है, उसके हिसाब से उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट्स को पढ़ा जाए, ये रिपोर्ट्स में कोई नेगेटिव पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशंस है, कमेंट्स है, क्वालिफिकेशन एडवर्स है, उसके डिटेल्स फॉर्म 3CD के क्लॉजेस में बताने पड़ते हैं, तो मैनेजमेंट का बोलना बिल्कुल गलत है, उसको पढ़ना चाहिए और उसको फॉर्म 3CD के रिस्पेक्टिव क्लॉजेस में लिखना चाहिए। फाइव फिफ्टी सिक्स पे आइए,
वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन लिखा है। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं कंपनी ऑडिट के, वैसे किसके होते हैं? टैक्स ऑडिट। और बहुत आसान से ध्यान देंगे, सबसे छोटा कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल खुद का ऑडिट नहीं कर सकता, उसके रिश्तेदार भी नहीं कर सकते। उससे बड़ा HUF, मेंबर ऑडिट नहीं कर सकते, रिश्तेदार भी नहीं कर सकते। उससे बड़ा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मेंबर नहीं कर सकते, उसके रिश्तेदार भी नहीं कर सकते। उससे बड़ा ट्रस्ट, ट्रस्ट जिन्होंने बनाई, फाउंडर्स जो चला रहे, जो बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, 50,000 रुपए पैसे दिए, जिसने बनाया, जिसने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जो चला रहा है, वो उसके रिश्तेदार भी ऑडिट कर नहीं सकते। ट्रस्ट से बड़ा पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स ऑडिट कर नहीं सकते एंड देयर रिलेटिव्स। पार्टनरशिप फर्म से बड़ा उसका फिर कंपनी, कंपनी में जो बंदा डिस्क्वालिफाइड है कौन से ऑडिट के लिए? कंपनी ऑडिट के लिए, वो टैक्स ऑडिट भी कर नहीं सकता। समझा क्या सब? सबसे छोटा इंडिविजुअल, फिर HUF, फिर एसोसिएशन, फिर ट्रस्ट, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी, फिर कंपनी। इन सब के अलावा कोई और एसएससी अगर है, एनी अदर एसएससी, आर्टिफिशियल, ज्यूडिशियल एंड सो ऑन, कोई और एसएससी है, तो जो लोग वो एसएससी का रिटर्न साइन कर सकते, जो लोग एसएससी का क्या साइन कर सकते, रिटर्न, वो ऑडिट नहीं कर सकते भाई। वो लोग तुम बहुत क्लोज है आपसे। जिन लोगों को अलाउ किया है क्या साइन करना? रिटर्न साइन करना। क्या साइन करना साहब? रिटर्न साइन करना। वो लोग ऑडिट नहीं कर सकते। ये बात समझे क्या साहब? इस पॉइंट के एक लिस्ट है, वो लिस्ट में आप यहां पे सीक्वेंस में उससे आप याद कर सकते हैं। नाउ लिसन, इसके अलावा फिर वो इंस्पायर हुए कंपनीज एक्ट से। प्रॉब्लम है, गलत इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। नहीं, इंस्पिरेशन सही है, इंप्लीमेंटेशन गलत है। फिर उन्होंने, अच्छा ये समझाना, जो बंदा कहां पे डिस्क्वालिफाइड है? कंपनीज एक्ट में। वो टैक्स ऑडिट में भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाई। अब वैसी चीजें लाए, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसएससीज एक्सेप्ट कंपनी, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो लगता ही वहां पर। एक्सेप्ट कंपनी क्या, जो बाकी एसएससीज है वहां पर लगता है, बहुत आसान, सेम कॉपी पेस्ट मारा है, सिमिलर चीजें। एसएससी का ऑफिसर ऑडिट कर नहीं सकता, एसएससी का ऑफिसर या एसएससी का एम्प्लॉय ऑडिट कर नहीं सकता। पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, अरे समझ रहे क्या? पार्टनर और एम्प्लॉय, अरे क्या बोला? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय जो है वो भी ऑडिट कर नहीं सकता। ऑफिसर एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, पार्टनर एम्प्लॉय ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं कर सकता, जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है वो ऑडिट कर नहीं सकता। कन्विक्टेड बाय फ्रॉड फॉर 10 ईयर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन से 10 साल, वो ऑडिट कर नहीं सकता। समझ रहे? आसान। एम्प्लॉयज, ऑफिसर एम्प्लॉयज, उनसे रिलेटेड लोग ऑडिट नहीं कर सकते, बिजनेस वाले लोग ऑडिट नहीं कर सकते, फ्रॉड वाले लोग ऑडिट नहीं कर सकते 10 साल के लिए। अब जिन्होंने पैसा लगाया होल्डिंग, लिसन, अगर इंडिविजुअल या उसके पार्टनर या उसके रिश्तेदार ने, इंडिविजुअल, उसका पार्टनर या फिर उसका रिश्तेदार, किसी ने भी अगर डायरेक्टली इनडायरेक्ट अगर पैसा लगाया कंपनी में, तो ऑडिट कर नहीं सकता। दूसरा, पैसा लगाया नहीं, पैसा लिया है, 1 रुपए का भी इनडेटेडनेस लिया है, तो वापस बंदा क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड। ध्यान देंगे, एसएससी ने अगर, लिसन, सीए ने, किसने बोला साहब? सीए ने, सीए या फिर उसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव, तीनों में से किसी ने भी अगर एसएससी के अंदर पैसा लगाया, तो वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, वो ऑडिट कर नहीं सकता। पैसा लिया है, डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, ऑडिट कर नहीं सकता है। या फिर गारंटी या सिक्योरिटी दी है एसएससी को, तो वापस ऑडिट कर नहीं सकता। तीनों में एग्जेम्पशन सिर्फ एक को है, रिलेटिव, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। पैसा लगाने में एग्जेम्पशन है, रिलेटिव कितना? 1 लाख। इनडेटेडनेस में एग्जेम्पशन है कितना? 1 लाख। गारंटी सिक्योरिटी में एग्जेम्पशन कितना? 1 लाख। समझ रहे क्या भाई? कंपनीज एक्ट में इनडेटेडनेस की लिमिट कितनी है? 5। यहां कितनी है? 0। 0 लिमिट है। वो एग्जेम्पशन सिर्फ किसको है? रिलेटिव्स को। 0 लिमिट है इंडेटेडनेस की, एग्जेम्पशन इज ओनली टू रिलेटिव्स। इसलिए केयरफुल, टैक्स ऑडिट में इंडेटेडनेस लिमिट इज 0। यहां पर गारंटी सिक्योरिटी की लिमिट भी कितनी है? 0। एग्जेम्पशन किसको है? रिलेटिव।
शेयर्स में भी लिमिट कितनी है, जीरो। एग्जेम्पशन किसको है? रिलेटिव्स। बात समझ रहे क्या भाई? टैक्स वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, एग्जेम्पशन सिर्फ रिलेटिव्स को दे रहे, बाकी लोगों के लिए जीरो है लिमिट। ना पैसा लगाना, ना पैसा लेना, ना गारंटी सिक्योरिटी देना। पहला पार्ट कैसे याद रखते? इंडिविजुअल से कहां तक? कंपनी एंड अदर देन अदर असेसिस तक। दूसरा पार्ट सिमिलर है, किससे? कंपनी ऑडिट के डिस्क्वालिफिकेशन से। यस नो? लेकिन ये और भी स्ट्रिक्ट है। सबकी लिमिट्स कितनी है? जीरो। एग्जेम्पशन किसको है? रिलेटिव को। यहां पे रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। सीए उनके स्पाउस दोनों के लीनियन असेंडेंट, दोनों के लीनियन डिसेंडेंट, दोनों के भाई बहन और इन सब के स्पाउसेस, ये सब रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे। बहुत बड़ी डेफिनेशन है। समझ रहे क्या सब? जो AS 18 की डेफिनेशन है उसमें भी स्पाउसेस के, स्पाउस के रिश्तेदार नहीं आते। कंपनीज एक्ट में भी स्पाउस के रिश्तेदार नहीं आते, अकेला अपना इनकम टैक्स है। इंडिविजुअल के भी ले लिए और किसके? स्पाउस के भी ले लिए। दोनों के असेंडेंट, दोनों के डिसेंडेंट, दोनों के भाई बहन और इन सबके स्पाउसेस। रिलेटिव की डेफिनेशन तीन जगह आती है, AS 18, फिर कंपनीज एक्ट, फिर इनकम टैक्स। सबसे नैरो डेफिनेशन किसकी है? AS 18, वन लेयर। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, स्पाउस, ओनली वन लेयर। कंपनीज एक्ट दो चेंजेस है, ठीक है, स्टेप्स इंक्लूड कर लिए और बच्चों के स्पाउसेस इंक्लूड कर लिए। फादर, स्टेप फादर, मदर, स्टेप मदर, ब्रदर, स्टेप ब्रदर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर, सन, स्टेप सन और उनकी वाइफ, डॉटर, ओनली डॉटर और डॉटर के हस्बैंड एंड स्पाउस। चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि स्टेप्स को इंक्लूड कर लिया प्लस बच्चों के स्पाउसेस को इंक्लूड कर लिया। समझा क्या भाई? सबसे नैरो डेफिनेशन किसकी है? ऐसे वित्ता AS 18 ऐसे याद रखना। AS 18 मतलब वन लेयर। पीटी करने का ये वन लेयर होता है। दोबारा करो, हाँ, टाइम पास करना है ना। AS 18 तो वन लेयर। अगर कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन AS 18 प्लस स्टेप्स प्लस स्पाउस ऑफ चिल्ड्रन और, ठीक है, और सबसे बड़ी डेफिनेशन किसकी है? ठीक है, फाइव फिफ्टी एट पॉइंट जीरो वन पे आइए। फाइव फिफ्टी एट पॉइंट जीरो वन क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है? यस, तीन कारण है। नंबर वन, इफ देयर इज अमेंडमेंट इन द लॉ, अगर अमेंडमेंट है, अगर चेंज इन लॉ है, अमेंडमेंट है विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो आपके पूरा टैक्सेशन बदल जाएगा। टैक्सेशन बदल जाएगा तो आपके रिटर्न्स 3CD बदल जाएगा, करेक्ट, आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो जाएगी। बात समझ रहे क्या साहब? इफ देयर चेंज इन लॉ, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन लॉ, नंबर वन रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन लॉ है तो टैक्सेशन बदल जाएगा, 3CD की इंफॉर्मेशन बदल जाएगी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो जाएगी। इंटरप्रिटेशन में चेंज है, देयर इज चेंज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सर्कुलर्स, वापस रिट्रोस्पेक्टिव चेंज है, सारी चीजें बदल जा रही है, 3CD बदलेगा, रिपोर्ट भी रिवाइज हो जाएगी। या फिर तीसरा, बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवाइज हो जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तरीके से बनाए गए थे,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रिवाइज हो जाएंगे तो पूरा टैक्स बदल जाएगा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज हो जाएगी। लॉ बदलने, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन लॉ, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन इंटरप्रिटेशन या फिर चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये चीजें तीनों से टैक्स बदल जाएगा। टैक्स बदल जाएगा तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज हो जाएगी। और समझिए लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे, क्या टैक्स ऑडिट नंबर 558.02, क्या टैक्स ऑडिट करते वक्त स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और गाइडेंस नोट लगता है? ध्यान देंगे, देखिए क्या लिखा है। पहले पॉइंट में लिखा है टैक्स ऑडिट में भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना पड़ता है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स उसके सही है एज पर बैलेंस शीट, क्या प्रॉफिट उसका सही है एज पर पीएनएल। टैक्स ऑडिट में भी बताना पड़ता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू विथ रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट, विथ रिस्पेक्ट टू पीएनएल, विथ रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओपिनियन देना ही पड़ता है। और ऐसे में लिखा है जब भी कोई ऑडिटर ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, उसको ऑडिट करना पड़ेगा एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड रिस्पेक्टिव गाइडेंस नोट्स। तो गाइडेंस नोट ऑन जो टैक्स ऑडिट है वो भी, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं और साथ में जो गाइडेंस नोट है वो भी लगता है। तो पहले वो बात करते एप्लीकेबिलिटी पे, पहले पॉइंट पे, तो इट इज डेफिनेटली एप्लीकेबल। फिर वो बात करते ऐसे 210 के, हम पढ़कर आए, ऐसे 210 में हम लिखवा कर लेते हैं पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट। अग्रीमेंट में लिख कर दो आप बनाओगे, आप उसके लिए सिस्टम कौन बनाओगे, आप, उसकी जानकारी कौन देंगे, आप, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे तो वो भी कौन देंगे, आप, करेक्ट। और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, हम तो बोले ये पूरी, एक तो एप्लीकेबल है मतलब ऐसे एप्लीकेबल है, मतलब ऐसे 210 एप्लीकेबल है, प्री कंडीशन सामने वाले को माननी पड़ेगी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये था कि असेसी उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, ये भी पूछा था क्वेश्चन में, तो हम बोलेंगे भाई साहब पहले तो ऐसे एप्लीकेबल है और ऐसे में लिखा है पूरी जानकारी सामने वाले को देनी पड़ेगी, तो भाई पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। असेसी इंफॉर्मेशन नहीं अगर दे रहा तो वो गलत है, उसको मानेंगे लिमिटेशन ऑन स्कोप, ठीक है। बात समझ रहे सब, अब सुनिए, लिसन, जो चीजें अब जैसे जीएसटी ऑडिट है, करेक्ट, अभी तो ये क्या था, इनकम टैक्स ऑडिट, करेक्ट। अभी सुनो, लोड मत ज्यादा, लोड कैसे नहीं ले, करेक्ट, ध्यान दें, जीएसटी ऑडिट में आप एक ऑडिट करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अगर टर्नओवर जाता है 2 करोड़ के ऊपर। दूसरा, डिपार्टमेंट अपॉइंट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि तू ऑडिट करके मुझे इंफॉर्मेशन दे, दैट इज स्पेशल ऑडिट। तो मुझे ये स्पेशल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है। स्पेशल ऑडिट
और बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान देंगे। लिसन, पूरा जीएसटी ऑडिट नहीं पढ़ा रहा हूं उसका, लेकिन मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं करना क्या है, ध्यान देंगे। बहुत सिंपल बात लिखी है, सुन लीजिए, देखो सबकी हेडिंग दी है। पहले लिखते हैं यूज ऑफ एक्सपर्ट इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस। जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत सी बार जब केसेस को हैंडल करता है तो वो एक्सपर्ट की मदद लेता है, और सेक्शन 66 उसी की बात करता है। जब जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने कोई केस पेंडिंग है, कोई भी केस, किसी भी तरह का स्क्रूटिनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कोई भी केस पेंडिंग है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर का बंदा जीएसटी ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, अनाउंस स्पेशल ऑडिट ऑर्डर कर सकता है। बहुत सिंपल बात दी है। पहले क्या बोला है, किसकी मदद लेते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट किसकी मदद लेता है, एक्सपर्ट। इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के कौन सा सेक्शन आया, 66, और उसमें लिखा है कि अगर डिपार्टमेंट के सामने कोई केस पेंडिंग है तो असिस्टेंट कमिश्नर या फिर उससे ऊपर का बंदा क्या ऑर्डर कर सकता है, जीएसटी ऑडिट। रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन सिंपल है, अगर ऐसा लगता है कि जो आउटपुट है उसकी वैल्यू बराबर नहीं है, जीएसटी जो सेल्स का वैल्यू है वो बराबर नहीं है, या फिर जो इनपुट लिया है वो इनपुट सही नहीं लिया है, कॉमन सेंस, या तो किसमें प्रॉब्लम है, आउटपुट के वैल्यू में या फिर किसमें, इनपुट में, तो ये अनाउंस हो जाएगा। ऑर्डर तो करेगा लेकिन प्रायर अप्रूवल लगेगा किसका, कमिश्नर का, और ऑडिटर नॉमिनेट भी कौन करेगा, कमिश्नर। अच्छा तुम अपॉइंट करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, बट प्रायर अप्रूवल शुड बी टेकन फ्रॉम कमिश्नर। बंदे का नाम भी नॉमिनेट कौन करेगा, कमिश्नर, ठीक है। मतलब रिक्वेस्ट की शुरुआत कहां से होगी, असिस्टेंट कमिश्नर से, लेकिन फाइनल अप्रूवल्स और अपॉइंटमेंट्स किसके हाथ से होंगे, कमिश्नर के हाथ से। आके बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उससे बने हुए रिकॉर्ड्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बने हुए रिकॉर्ड्स, टर्नओवर, आउटपुट, इनपुट चेक कर सकते, कॉमन सेंस। 90 दिन मिलेंगे ऑडिट करके, 90 दिन मिलेंगे आपको रिपोर्ट देने के लिए, एक्सटेंड भी कर सकते और 90 दिन से। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑडिट, इसका दूसरे ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट फाइनलाइज करते वक्त असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, भाई देख ये ड्राफ्ट रिपोर्ट में ऐसा लिख रहा हूं, देखो क्या बोलना है, देखो क्या जस्टिफिकेशन देने, तू बता दे। इसका खर्चा डिपार्टमेंट बेयर करेगा। ऑडिटर डिमांड ऑर्डर नहीं इश्यू कर सकता, सिर्फ एक ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर सकता कि उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होना चाहिए, इनपुट कितना होना चाहिए। डिमांड ऑर्डर कौन रेस करेगा, अरे कौन करेगा, डिपार्टमेंट। बहुत बढ़िया, बेस्ट, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिसेस, दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। और पूरा हमारा कोर ऑडिट प्रोसेस जैसा ही है कि इट शुड बी अ रिस्क बेस्ड ऑडिट। मैंने हेडिंग्स दिए, पहले आप कंपनी के बिजनेस को, सॉफ्टवेयर को समझ के रिस्क असेसमेंट करिए, फिर इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करिए, फिर सब्सटेंटिव टेस्टिंग के अंदर बुक्स और रिटर्न्स चेक करिए, करेक्ट। और खास ध्यान दीजिए स्पेशल इश्यूज, कोई इनकम छूट तो नहीं गई, कोई इनकम पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया, रिवर्स चार्ज छूट गया इनके हाथ से, या फिर मिसयूज कर रहे एग्जाम ट्रांजैक्शन, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा ऑडिट साहब, स्पेशल ऑडिट। एक सिंपल सीक्वेंस है, टैक्स ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कौन कर सकता है, या तो सीए या तो जीडीसीए। जीडीसीए मतलब गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स। इन विच अकाउंट्स, कोऑपरेटिव अकाउंट्स। लेकिन टैक्स ऑडिट करने का पावर सिर्फ किसके पास है, सीए। ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कौन कर सकता है, या तो सीए या तो जीडीसीए, लेकिन टैक्स ऑडिट कौन करेगा साहब, सीए, उसी के ऊपर केस है, ध्यान देंगे। अब सुनिए सुनिए, ध्यान देंगे। मई, सुनो, मई 19 में
आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने 40 पेज के आसपास छाप दिए थे जीएसटी के, हमने उसकी 15 पेज की समरी बनाई, 15 पेज की समरी बनाई विद चार्ट, और हम लोगों ने एक लेक्चर बनाया उसके ऊपर, ठीक है, यूट्यूब पे लेक्चर है। अब सुनो, वो जो समरी है वो समरी में सबसे इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशंस। जैसे ये इलस्ट्रेशन छपा May 19 के आरटीपी में था, इमीडिएटली आया May 19 के एग्जाम में, कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन आया एज इट इज, और वो पता था कि ये कुछ ना कुछ तो छापेंगे। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन बैंक में बाकी इलस्ट्रेशंस भी थे वो कवर किए, मार्क करो वो सब। वो बस जो जितने भी है, अब सुनो ध्यान दो, ये 563.20 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देंगे नाउ। अगर आप YouTube पे जाएंगे, सीए रवि टावरी जीएसटी ऑडिट जीएसटीआर 9C डालेंगे, तो वो एक लेक्चर आता है, दैट इज 2.5 आवर्स, सुन लो अभी। और उसी के नीचे नोट्स की लिंक भी दी होगी, ठीक है, 15 पेज के नोट्स है। लेक्चर को फॉरवर्ड करते जाना, जहां पे इलस्ट्रेशंस आते उसके पहले का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो सुन लेना। और मतलब उसमें खास चीज है, वहां पे जीएसटीआर 9C का एक्सप्लेनेशन है, किसका 9C। एक काम करो, वीडियो में से सिर्फ जीएसटीआर 9C का एक्सप्लेनेशन सुन लो, और जो सिर्फ इलस्ट्रेशंस आ रहे हैं, क्योंकि वो 9C का एक्सप्रेशन एक बार सुनना पड़ेगा, जो इलस्ट्रेशंस है बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है, बहुत ही आसान, वो इलस्ट्रेशंस आपके कवर होने चाहिए, सिर्फ इलस्ट्रेशंस वहां पे लिख लो, कवर जीएसटीआर 9C एंड इलस्ट्रेशन, GSTR 9C and illustration from YouTube video। साहब जितना समय है हमारे पास उसमें, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए हम 1.5 घंटा देना पड़ेगा हमको, ठीक है। और मैंने बोला वो पूरा भी नहीं देखना, सिर्फ जहां से क्या शुरू होता है GSTR 9C, करेक्ट, वो आपको पार्ट देखना है। इतना ये तो है ही, ऊपर से इस बार के जो अमेंडमेंट है उसका प्लेलिस्ट बनाया हमने, उसका प्लेलिस्ट बनाया है प्रॉपर, ठीक है, सिर्फ 2 वीडियो है, एक अमेंडमेंट्स एज पर आरटीपी और दूसरा वीडियो है अमेंडमेंट्स विदाउट आरटीपी, जो मॉड्यूल में चेंजेस है उसकी वजह से, और एक तीसरा पिछले बार का है, नहीं देखना मत देखना, NFRA का, अगर नहीं पता होगा तो देख लेना, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और 3 वीडियो डाले भाई साहब, सीए फाइनल में हम इतना पढ़ना पड़ेगा बराबर, तो 3, और वहां पे इन टोटलिटी आई थिंक एक वीडियो 1 घंटे का है, ठीक है, 1 वीडियो 1 घंटे का है, उसमें भी आपको बता, उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है वो बताया हुआ है। और मैंने भी आपको बोला जीएसटी में सिर्फ किस पे ध्यान देना है, 9C, और उसके अंदर भी सिर्फ इलस्ट्रेशन, ओनली इलस्ट्रेशन, वो इलस्ट्रेशन पे ध्यान दिया बहुत है, उससे ज्यादा पढ़ना मत, क्योंकि जो 9C वहां पे हम पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया है, अब वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। हाँ वही, ये वही इलस्ट्रेशन है जो आरटीपी में आए थे, और ये वही है जो हमने वीडियो में पढ़ा है, सेम कॉपी पे सेम, ठीक है। अपने क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन हमने मन से नहीं बनाया, ना उसका आंसर, हाँ हमने उसमें समरीज चार्ट शॉर्टकट्स डाले हैं, स्कोप ही नहीं है, इंस्टीट्यूट ने इतना भर के दिया है, इसके अलावा और कुछ करना उसका चांस ही नहीं है। और मेरे हिसाब से इतना ही अगर कर ले कोई बच्चा अच्छे से,
तो वो अपने आप में भी वो एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, न्यू वालों की, ओ ये वो, ठीक है. चलिए, अभी हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, शेड्यूल टू कर लेंगे थोड़ा सा. ठीक है, और आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त लग रहे हो तो हो जाओ. और ऐसा है कि कल थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, लेट्स होप फॉर, नहीं कुछ नहीं. अरे ओ भाई कुछ भी बोल रहे हो यार, कुछ नहीं. ध्यान देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता. कल बीच में 2 घंटे का शटडाउन है, लेकिन यहां पे बैकअप है जिससे वो कवर हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. ये छुट्टी कर ले, ओ भाई 3 दिन के क्लास में उसमें एक दिन छुट्टी आधी हो गई है भाई का. और मैं देख रहा हूं आजकल जनता चिंता ही बहुत करती है यार, आधे से ज्यादा समय चिंता में ही बिता देते हैं, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है लोगों के पास, हर चीज का टेंशन. आपके पास जितना समय उसको अच्छे से यूज कर लो ना यार, मतलब. और ध्यान देंगे, वो ही सुना रहे बोले और सब स्टूडेंट्स की अलग अलग कहानी रहती है. अब इतने सारे बच्चों से इंटरेक्शन होता है, और मैंने देखा कि 2 तरह के बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, उनको पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता लाइफ में, बिकॉज दे आर ऑलवेज वरीड इन द लाइफ. और ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा केयरलेस है, ठीक है, बोलने के लिए केयरलेस है, उनको दिली दिल डर लगता है किताबों को ओपन करने से कि न जाने कितना होगा क्या होगा, और उस वजह से भी वो नहीं पढ़ते. बट लेकिन सच ये है दैट आपको ये पूरा, मतलब यू डोंट नो हाउ टू हैंडल प्रेशर. सिंपल सी बात है, आपको ये नहीं मालूम कि प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए. और ये सिचुएशन लाइफ में, कभी पढ़ाई में सिचुएशन आएगी, कभी प्रोफेशन में सिचुएशन आएगी, पर्सनल लाइफ में सिचुएशन आएगी, मार्केट में कंपटीशन है तब ये सिचुएशन आएगी, कभी ना कभी आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू हैंडल प्रेशर. और अगर प्रेशर है तो रिलैक्स होके आपने सिर्फ, आपके हाथ में एक ही चीज, अगर आपको समझ लो लाइफ में, मेरे हाथ में कि जितना मेरे पास में समय है उसको अच्छे से यूज करना, ये मेरे हाथ में है. वो अगर हम अच्छे से यूज कर ले, मोर ऑफन देन नॉट वी रीच अवर डेस्टिनेशन, वी रीच अवर डेस्टिनेशन. हां, अगर आपको जैसे बच्चे, सर समझ में नहीं आ रहा ग्रुप कौन सा दू, क्या करूं, कैसे पढ़ू, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, कवर होगा नहीं होगा, टेक गाइडेंस फ्रॉम दी प्रोफेसर्स, उनसे आप, तो आपको थोड़ा रास्ता दिखेगा, और शांति से जो रास्ता बताया उसके ऊपर चलो. एंड यू डू दैट मोर ऑफन देन नॉट यू गेट दी सक्सेस. अब ये सबको पता होता है लेकिन सिर्फ होता नहीं है. इश्यू इज एवरीवन नोज व्हाट इज गुड, एवरीवन हैज टाइम, एवरीवन हैज रिसोर्सेस, बट पॉइंट इज पढ़ाई होती नहीं है. ये प्रॉब्लम सबके साथ में,
उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं जो मैंने बोला अभी। पुराने जमाने से हर रिलीजन के अंदर ये चल रहा है, कल बताया था मैंने, नहीं, हर रिलीजन के अंदर ये चल रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको चैंट किया जाता है, उसको रिपीट किया जाता है। एंड द थिंग्स विच वी से टू आर सेल्स, द इंस्ट्रक्शन विच वी गिव टू आर सेल्स, दैट इज हाउ वी थिंक, दैट इज हाउ वी रिएक्ट, दैट इज हाउ वी बिहेव एंड दैट इज हाउ वी परफॉर्म। तो सिर्फ मेरी सिंपल सी बात, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, सुबह दोपहर शाम, ओके गूगल 5 मिनट्स टाइमर, या फिर अगर आप सिरी यूज करते, ओके सिरी, ओके नहीं सिर्फ सिरी, ए सिरी, 5 मिनट का टाइमर, सुबह दोपहर शाम 5 मिनट का टाइमर आपको लगाना है। एंड यू आर सपोज टू से 3 most positive things फॉर योर सेल्फ एंड यू ऑटोमेटिकली your thought process changes, your energy level becomes better, you are well directed and you try to be more productive. Lekin 5 minute shanti se baith kar, maybe you can have a very simple, I do that. Matlab I will spend 5 minutes for meditate, see breathe in, breathe out and then 5 minutes. I say to myself, be energetic, be confident and enjoy your goal. I wanted to be a good professor. I am having that opportunity. Let me enjoy my goal. Dukhi kyun main? Har cheez mein dukh. CA banna chahte the. Mauka mil raha hai. Opportunity hai. Time hai. Dukhi kyun life mein? Why are you sad? Jo karna chahte the wo sab hai tumhare paas. To tum dukhi kyun ho yaar? Course itna aada hai. Dukh. Uski padhai jyada ho gayi. Dukh. 10,000 लोग सीए बन रहे, कड़वा लगेगा, इंस्टीट्यूट को गाली देना वो ठीक है, हर अटेम्प्ट में 10,000 लोग सीए बन रहे, पैसे देके बन रहे क्या? ये सच्चाई है साथ में। एवरी अटेम्प्ट 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर, हुए ना पास, हुए ना भाई, जो प्रेजेंट सिस्टम है, सेटअप है, उसमें हुए। तो वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेट्स नॉट थिंक अबाउट समथिंग जो हमारे हाथ में नहीं है। दिख रहे 10,000 लोग हर 6 महीने में सीए बन रहे, 10,000, नॉट अ स्मॉल नंबर, करेक्ट? ओ हम इस पे थे, हम इस पे थे कि आप 5 मिनट, एज आई सेड, आई सेड बी एनर्जेटिक, बी कॉन्फिडेंट एंड एंजॉय योर गोल। ये 3 चीजें मैं रिपीट करता हूं 5 मिनट के लिए कि भाई मेरे को आलसी नहीं रहना यार, एनर्जेटिक रहना है लाइफ में, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहूंगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी रहती है, एंड थर्ड मुझे मेरा गोल एंजॉय करना है, नहीं तो यहां पे भी मैं पढ़ा रहा हूं और यार इतने घंटे पढ़ना, अरे भाई यही तो करना चाहता था मैं, आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, आई एम डूइंग दैट, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। नहीं तो हम लोग हर छोटी मोटी बात पे क्रिप करने लग जाते हैं। I don't know why that is happening. तो सिर्फ इतनी इस बात समझो, सुबह दोपहर शाम 5-5 मिनट 3 positive चीजें सिलेक्ट करो। मैंने तो मेरी सिलेक्ट कर ली, मेरे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जेटिक रहना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट रहना, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एंजॉय करना मेरे गोल को। ये एंजॉय वाला कौन रहने देना, बाकी 2 तुम्हारे हिसाब से चेंज कर लो, ठीक है? और पॉजिटिव बात को रखो और खुद को रिपीट करो, आप ऑटोमेटिकली खुद को स्ट्रीमलाइन करोगे। डू दैट, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। प्लीज डू दैट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 डेज, 5 दिन के लिए, एंड प्लीज शेयर विथ मी, लेकिन 5 दिन के लिए करना। और पता है मैं आपको भी समझा रहा हूं, और ये हर बैच को समझाता हूं, करेक्ट? और मुझे पता होता है बहुत कम लोग करेंगे, क्योंकि बाय द टाइम क्लास एंड्स हम भूल जाएंगे ऐसा भी कुछ था। तो मैं तो मार्क वर्क भी करवाता हूं, फिर मैं तो लिखवाता हूं किताब में, लिखो, बट देन एंड ऑफ द डे आज याद रखना, डू इट फॉर नेक्स्ट 5 डेज।
यू विल डेफिनेटली सी सम पॉजिटिव चेंजेस, और वो चेंज शुरू हो जाता है एक बार, करेक्ट, देन थिंग्स आर ऑन ट्रैक, और आपके पास काफी समय है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपायरी है। ब्रेक सही में ब्रेक चाहिए, तीन कैसे? अरे वो वीडियो, दो ब्रेक ही काफी है। अरे नहीं, बहुत टाइम नहीं अपने पास। जब ब्रेक वॉलंटरी ब्रेक ले सकते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ओल्ड का करा दो, न्यू का करा दो, कॉमन ही इतना सारा है। तो फिर अभी हुआ है 4:20, हाँ क्या सेकेंड शेड्यूल खत्म करेंगे और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक देंगे, ध्यान देंगे, बस सेकेंड शेड्यूल खत्म होगा, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको। ध्यान देंगे, सेकेंड शेड्यूल इज कंपैरेटिवली मच स्मॉलर। नाउ कम टू पेज नंबर 237, कॉन्सेप्ट नंबर 241। ध्यान देंगे, कोर्स में से रिलेट हुआ, रियलिटी में नहीं। ऑफ कोर्स लिखना है, आंसू आ जाएंगे आज में। अरे कोर्स में से ऐसे ही 3400 ये टॉपिक था, वो डिलीट हुआ है, प्रोफेशनल एथिक्स से थोड़ी डिलीट हुआ वो, और वो इतू सा एक लाइन नहीं भी नहीं पढ़नी तुमको उसकी, आज तो ना छाप नहीं है, मैंने पकड़ने धुलाई कर देनी। ध्यान देंगे, लिसन, सेकंड शेड्यूल में क्रिकेटर द फ्लिंट ऑफ, दैट इज फॉर फोरकास्ट, फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट फोरकास्ट, ध्यान देंगे, ये 741 मार्क करो, उसके बाद ये 743 मार्क करो और आ जाओ इसके नोट पे, ऑथर्स नोट पे, ध्यान देंगे, लिसन, सुन लीजिए, क्या बोलता है पर्टिकुलर क्लॉज, कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट दे सकता है,
साइन भी कर सकता है, रिपोर्ट देना तो साइन भी होता है, रिपोर्ट दे सकता है, साइन कर सकता है, शर्त है दैट उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए एज पर SAE 3400, और उसमें एक सिंपल सी बात लिखी है, डोंट गिव गारंटी श्योरिटी कि ये प्रॉफिट होगा, ये बैलेंस शीट होगी, डोंट गिव गारंटी श्योरिटी, डोंट वाउच एक्यूरेसी, मतलब डोंट कमेंट ऑन एक्यूरेसी, गारंटी मत दो, श्योरिटी मत दो, एक्यूरेसी पे कमेंट मत करो, सिर्फ इतना बोलो, फाइनल आउटकम पे मत बोलो, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फ्यूचर की बात है, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर, यू कैनॉट डू दैट, आप सिर्फ ये बोलो ये फोरकास्ट को बनाने के जो अजम्पशंस थे वेदर दे वर रीजनेबल, क्या वो रीजनेबल रियलिस्टिक थे क्या, बस इतना बोल करके छोड़ दो, फाइनल आउटकम पे बात मत करो, सिर्फ उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उस पर बोल करके छोड़ दो। जैसे डॉक्टर आता है बोलता है यार आप ठीक है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, सक्सेसफुल होगा, डॉक्टर बोलता है बेस्ट टीम है मेरी, आई एम यूजिंग द बेस्ट टीम, 5 लोग है, सबका एक्सपीरियंस 20-20 साल से ज्यादा है, बेस्ट इक्विपमेंट्स है, एंड वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बोलकर छोड़ देगा, he should not if he is a professional, how can you do that, जब आपको पता है कि जो आगे की चीजें बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक चीजों पर डिपेंड करती है, यू डोंट नो वॉट कॉम्प्लीकेशन विल कम अराइज, वी विल गिव अवर बेस्ट, वही लिखा है, आप फाइनल आउटपुट के बारे में मत बोलो, सिर्फ जो इनग्रेडियंट है उसके बारे में बोल दो, इससे उसको थोड़ा भरोसा मिल जाएगा और आप सेफ हो जाओगे, दोनों की बात बन जाएगी, बात समझ रहे क्या? नाउ लिसन, वो नोट पे आइए, When the question only mention chartered accountant certifies financial forecast and projection. Question में ऐसा लिखा है कि chartered accountant क्या certify कर रहा है? Financial forecast and projection certify कर रहा है वो. He is certifying. Now listen. अब आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, कहीं पर भी ऐसा लिखा है क्या ही इज वाउचिंग, ही इज गिविंग गारंटी और श्योरिटी? अगर ऐसा लिखा है ठीक है, अगर क्लियरली लिखा है देन ही इज गिल्टी, भाई गलत किया तूने, पहले ऊपर वर्ड क्या यूज किया था, सर्टिफाई, उसमें और खोदना है वाउच कर रहा क्या, गारंटी श्योरिटी ऐसा कुछ भी है क्या, तो गिल्टी नहीं है, तो नॉट गिल्टी, लिसन ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ही इज वाउचिंग, अरे तू एक्यूरेसी पे कमेंट कर रहा है, गिल्टी, यू आर गिविंग गारंटी और श्योरिटी, इट विल बी गिल्टी, यस नो, अगर लिखा है इज नॉट वाउचिंग तो डेफिनेटली नॉट गिल्टी, अगर क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है उसके वर्डिंग्स, क्या बता रहा है उसके वर्डिंग, देखो सुनो, पहले क्वेश्चन में लिखा रहा है सर्टिफाइंग, अरे लेकिन वर्डिंग बता, अगर वर्डिंग बता दिया तो आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा, अगर वर्डिंग नथिंग इज मेंशन, वर्डिंग्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हमको कंडीशनल आंसर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कंडीशनल आंसर, कि अगर वो वाउच करेगा तो गिल्टी होगा, वाउच नहीं करेगा तो नॉट गिल्टी होगा, मतलब एंड क्या हुआ, आपको वर्डिंग्स मिलनी चाहिए क्वेश्चन में, क्या मिलनी चाहिए, वर्डिंग्स, वर्डिंग्स मिल गई बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो दोनों के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा, इज दिस पॉइंट क्लियर, बच्चे यहाँ पे गलतियां करते, कभी कभी एक ही लिख कर आते, सर्टिफाई कर रहा है गिल्टी, अरे नहीं, वहां पे लिखो इफ ही वाउचेस देन गिल्टी, इफ ही डजंट वाउच देन नॉट गिल्टी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिख के आने पड़ेंगे आपको। अब आगे एक हाथ क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर्स एंड सर्टिफाइज, बहुत पुराने जमाने की बात है, कई सालों पहले गाइडेंस नोट हुआ करता था, उसके हिसाब से वो बनाता था और रिपोर्ट करता था, अब अलाउड नहीं है, अब अलाउड नहीं है, कोर्स में से ऐसे ही 3400 डिलीट हुआ, इसका मतलब रियलिटी से डिलीट हो गया ऐसा नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है फोरकास्ट बनाना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट, हमारा सिर्फ क्या काम करना है, उसको एग्जामिन करना, चेक करना, बात समझ रहे के सब, तो अगर ऐसा लिखा है कि मैं ही बना रहा हूं और मैं ही चेक कर रहा हूं तो यह बिल्कुल गलत है, इज पॉइंट क्लियर,
क्लास नंबर थ्री हम लोगों ने डिस्कस किया और उसमें बोला सर्टिफाई बोलाऊंगा तो किसको सर्च करो, वर्डिंग्स को। वर्डिंग्स मिल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कैसा आंसर होगा, कंडीशनल। और प्रिपेयर और खुद खुद प्रिपेयर करना और रिपोर्ट देना वो तो अलाउड ही नहीं है। सिर्फ प्रिपेयर करना है तो बहुत बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो प्रोफेशनल एथिक्स आड़े ही नहीं आता। द होल थिंग इज ऑन सर्टिफिकेशन, सिर्फ बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाप रे, इसमें तो बहुत सेकंड शेड्यूल में हम लोगों ने ध्यान देंगे। 7:55 पे आइए। क्लॉज सेवन अगर आपको याद है, अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करो, पांच कौन थे, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स में छठे नंबर पे कौन था, मोटर कार रेसिंग, और उसके बाजू में कौन था, गोल्फ। गोल्फ इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। बहुत सिंपल सी बात लिखी है, चार्टर्ड अकाउंट को अपॉइंट किया ऑडिट करने के लिए, उसने जो डेडलाइन थी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की तब तक काम किया ही नहीं, रिपोर्ट दी ही नहीं, तो बहुत ही लापरवाह है। इट इज अ कंप्लीटली ग्रॉस निग्लिजेंस अंडर क्लॉज 7। नवंबर 18 के आरटीपी में आया, नवंबर 18, नवंबर 19 के आरटीपी स्टडी मटेरियल में भी है, नए पीएम में भी है। सेकेंड शेड्यूल के कम अब आइए इस पे, 7:57 पे आइए। ध्यान देंगे, लिसन। एक बंदे को बोला कि बेटा सर्टिफिकेट ऑफ कंजम्पशन दे, बता कि कंपनी में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखे, उसमें कितना कंजम्पशन लिखा है वो और सर्टिफिकेट का अमाउंट मैच, जो डिटेल मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया मैच कर रहा है, सर्टिफाई कर दिया। ध्यान देंगे, मतलब इसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा नहीं किया है। अब ध्यान सुनो, मैंने बोला 1949 का लॉ है, इट इज इल ड्राफ्टेड। सबूत इकट्ठा नहीं करना ये एक प्रकार से ग्रॉस निग्लिजेंस है, यस नो। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कभी कभी सबूत इकट्ठा नहीं करना उसमें 7 लगा दिया है, ग्रॉस निग्लिजेंस। कभी कभी क्या लगा दिया, 8 लगा दिया, नॉट कलेक्टिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। कभी कभी एक हाथ जगह, सिर्फ एक जगह ऐसा किया, 2 भी लगा दिया, रोहित शर्मा, रिव्यू नहीं किया। क्या नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, रिपोर्ट साइन करने के पहले रिव्यू नहीं किया, केयरलेस थे, 2 भी लगा दिया। तो मैंने सब एनालाइज करके रूल बनाया, जहां पर भी ऐसा आपको दिखे कि बंदा सबूतों को इकट्ठा नहीं कर रहा है, आप तीनों क्लॉज रेफर कर दो। इट इज ग्रॉस निग्लिजेंस अंडर क्लॉज 7, इट इज नॉट कलेक्टिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस एज पर क्लॉज 8, एंड इट इज बींग केयरलेस नॉट रिव्यूइंग द वर्क अंडर क्लॉज 2। मैंने उस पर नोट भी दिया है, क्लॉज 7 टू क्लॉज 2 और क्लॉज 8। तो सिर्फ 7 जानकारी बराबर इकट्ठा नहीं की तो ये तीनों लग रहा है। इसके अलावा निग्लिजेंस कई प्रकार के होते हैं, और अब मैं कैसे याद रखता हूं आपको बता रहा हूं, हाउ आई रिमेंबर ग्रॉस निग्लिजेंस के केसेस। अब आपने पूछा इसलिए, क्लाइंट ने मेरे को अपॉइंट किया, मैं गया ही नहीं, आई डिडंट रिप्रेजेंट देम इन टैक्स, टैक्स के केसेस में मैंने उसको रिप्रेजेंट करना ही भूल गया, मैं गया ही नहीं बार बार, उसने बेस्ट जजमेंट कर डाला उधर। मैं ऐसे याद रखता हूं, ऑडिटर ने, क्लाइंट ने अपॉइंट किया, हम गए नहीं, तो क्या हो गया सब, ग्रॉस निग्लिजेंस। अच्छा, गए ऑडिट करने, ऑडिट करने गए, प्राइमा फिसी सामने के सामने चीजें अपेरेंट थी, अपेरेंट फ्रॉड थे, कैश निगेटिव है, इन्वेंटरी निगेटिव है, अपेरेंट फ्रॉड थे, फिर भी डिटेक्ट नहीं किया, क्या हो गया, ग्रॉस निग्लिजेंस। गया नहीं, ग्रॉस निग्लिजेंस, जाके अपेरेंट ऑब्वियस गलतियां नहीं पकड़ी, अगेन इट इज ग्रॉस निग्लिजेंस। अच्छा, काम किया, काम किया, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी जो रिपोर्ट है, दो दो रिपोर्ट बना दी,
एक बैंक के लिए अलग, इनकम टैक्स के लिए अलग, या फिर भूल गए थे पहले रिपोर्ट बनाई थी वापस बना दी, ऐसे दो दो रिपोर्ट साइन करना, दैट इज अगेन ग्रॉस नेग्लिजेंस। दो रिपोर्ट साइन कर देना, बात समझ रहे क्या साहब? रिपोर्ट में लिखना सब्जेक्ट टू नोट्स, नोट्स है ही नहीं, दैट इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। लेट कर देना बहुत रिपोर्ट, दैट इज अगेन ग्रॉस नेग्लिजेंस। रिपोर्ट को भेजना वीपीपी से, वैल्यू पेड पोस्ट कैश ऑन डिलीवरी, भले भले इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट ऐसे भेजना, दैट इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो ग्रॉस नेग्लिजेंस बड़ा टर्म है साहब, सबूत इकट्ठा नहीं करना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें उसमें आती है, समझ रहे? सेवेंथ सब में लगेगा, सब में लगेगा ऐसे। ये जो मैंने केसेस बताया सब सेवन की केसेस थे, सुनो जब ऐसा बोला है कि हमने, अच्छा उसके भी केस बताए तो गिने चुने केस रहते हो, हमने अगर सबूत बराबर इकट्ठा नहीं किए, एक बहुत फेमस केस है मैगजीन का सर्कुलेशन था, उसके लिए आपने एविडेंस इकट्ठा नहीं किया, करेक्ट? आपने सिर्फ बोर्ड मिनट्स देख लिए, आपने सबूत इकट्ठा नहीं किए, ओपनिंग क्लोजिंग सेम था, आपने चेक नहीं किया, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ले ली, आपने चेकिंग नहीं की, जहां पे दिख रहा है साफ साफ कि इसने सबूत बराबर इकट्ठा नहीं किए, सिर्फ वहां सात आठ और दो ये तीनों लगा देने, समझ रहे आप? जहां पे दिख रहा है कि इसने सबूत बराबर इकट्ठा नहीं किया, तो सात आठ और दो तीनों क्लॉज लगाने। वेरी गुड, ध्यान देंगे। 758 पे आइए, ये सेम चीज है, नहीं सही बराबर, ध्यान देंगे। एमआईएस रिपोर्ट देख के कर दी वापस, 7, 8 and 2 आपने लगाना है कि भाई एमआईएस रिपोर्ट के बेसिस पे आपने सिर्फ फिर सबूत इकट्ठा नहीं किए, वो निग्लिजेंस भी है, सबूत की कमी भी है, आप केयरलेस, आपने रिव्यू भी नहीं किया, 7, 8, 2 लगा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं क्लॉज 2 का कोई अपना सेपरेट केस नहीं है, बराबर, मतलब उसने बराबर रिव्यू नहीं किया चीजों को, उसने बराबर रिव्यू नहीं किया, देखा नहीं उसने चीजों को, उन्होंने 2 भी लगा दिया। 2 का अपने आप में कोई सेपरेट एक भी ऐसा केस नहीं है, मैं भी तड़प गया केस देखने के लिए, कोड ऑफ एथिक्स की बुक पूरी छान डाली, एक को केस मिल जाए, कोई केस नहीं है, एग्जाम में भी पूछा नहीं है। सेवन सिक्सटी ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, लिसन नाउ, सेपरेट बैंक अकाउंट में 3 सिर्फ मुद्दे, किसी भी सीए फर्म को, आपका बास्केटबॉल था, बास्केटबॉल 5 कौन थे, क्रिकेटर, 5 क्या थे, स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल इस क्लॉज नंबर 10, ध्यान देंगे, तीन बातों का वहां पे ख्याल रखना है। देखो वहां पे मैंने 3 बातें
पहले सुन लो, फिर फटाक से शॉर्ट में लिख भी देना। सभी सीए फर्म्स को दो अकाउंट मेंटेन करने चाहिए। एक कॉमन अकाउंट जिसमें पूरी कमाई हो रही है, जहां से पूरे खर्चे हो रहे हैं, पार्टनर्स के ड्राइंग्स हो रहे हैं, और दूसरा एक अकाउंट रखना चाहिए। कभी कभी हमको क्लाइंट का पैसा मिलता है जो फीस का पैसा नहीं है, खर्चों का पैसा नहीं है। फिर सर कौन सा पैसा है? क्लाइंट ने पैसे दिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्लाइंट ने पैसे दिए किसी और को पे करने के लिए, किसी और ने हमको पैसे दिए ताकि हम किसको पे कर सके, क्लाइंट को पे कर सके। तो वो कॉमन अकाउंट में मत डालो, लोग विड्रॉल मार देंगे। कॉमन सेंस, उसको सेपरेट अकाउंट में रखो। तो फीस और खर्चे के अलावा कोई भी पैसा आया तो कहां रखना उसको? सेपरेट बैंक अकाउंट। और अगर खर्चा शॉर्ट इंटरवल में नहीं करना है, मतलब एडवांस टैक्स पे करना है 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद, साल भर पे करना है, तो उस खर्चे को भी सेपरेट अकाउंट में डालना, नहीं तो गलती से मिसयूज हो जाएगा। समझ रहे क्या? फीस और खर्चे के अलावा दूसरा पैसा है तो सेपरेट बैंक अकाउंट, शॉर्ट इंटरवल में खर्चा नहीं करना है तो सेपरेट बैंक अकाउंट, और खर्चे के लिए पैसा है तो उसको रीजनेबल टाइम में यूज कर लेना। नहीं कि आपने रीजनेबल टाइम में खर्च जो एक्सपेक्टेड था तो वापस मिसकंडक्ट। तीन बातें लिख लो। एक ऐसे केस पूछा हुआ है कि एडवांस टैक्स के लिए पैसा था, उसने पैसा यूज कर लिया, वाइफ का बर्थडे था, पार्टी दे दी और पैसा वापस रख दिया। गलत है वो पैसा क्या? हाँ ऑफकोर्स गिल्टी है। सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे रखने चाहिए थे और उसको किसी और चीज के लिए यूज नहीं करना था। खर्चे के लिए अगर खर्चा, सपोज स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है 2 दिन बाद, वो पैसा मिला कहां डालेंगे? कॉमन बैंक अकाउंट। कहां डालेंगे? कॉमन बैंक अकाउंट, वहां से खर्च कर डालेंगे। लेकिन कोई खर्चा मुझे करना है 6 महीने बाद, तो उसको कहां डालना चाहिए? सेपरेट बैंक अकाउंट। सिंपल तीन बातें, फीस और खर्चे के अलावा कोई और पैसा मिला सेपरेट, शॉर्ट इंटरवल में खर्चा नहीं करना है सेपरेट, नॉट यूज इन रीजनेबल टाइम, फिर वापस गिल्टी। लिख लिया भाई? नॉट यूज इन रीजनेबल टाइम, क्रॉस मतलब मिसकंड। लिख लिया भाई? क्या लिखना बोले, सब मोह माया। सेवन सिक्सटी हमने मार्क किया, 762 हमने मार्क किया। सेवन सिक्सटी फाइव, आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन तोड़ोगे तो कहा जाएगा वो कॉमी नाइट्स विद कपिल, कॉन्ट्रावेनिंग सीए एक्ट, उसके अंदर के रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस। सेवन फाइव मार्क किया। अब सुनो, इसका पीछे नोट दिया है, सुन लो। आर्टिकल से पैसे मांगे, आर्टिकल सब चाहिए प्रीमियम दे, तो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, गलत बात। अगर पैसे मांगे आर्टिकल शिप के, पुराने जमाने में होता था, आज भी होता है डमी में। बोले तो नाउ ध्यान, तो ध्यान, अगर प्रीमियम चार्ज किया साहब तो क्या हो जाएगा? मिसकंडक्ट। अगर ऐसा बोला कि तू पहले लोन दे, लोन देगा तभी मैं तेरे को आर्टिकलशिप दूंगा, मिसकंडक्ट। तेरे बिजनेस से लोन दे फिर दूंगा, मिसकंडक्ट।
एक काम कर, तेरे फादर या तेरे फैमिली का जो बिजनेस है वहां से लोन दिला, अगेन इट विल बी अ मिसकंडक्ट। वर्डिंग्स ऐसे है कि अगर आर्टिकल का डायरेक्ट उस बिजनेस से कनेक्शन है या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन है और तुम वहां से पहले बोलते हो लोन दे फिर मैं तेरे को आर्टिकल शिप दूंगा, तो इट विल बी कंसिडर एज मिसकंडक्ट। डायरेक्ट इंटरेस्ट, जिस बिजनेस में आर्टिकल खुद प्रोप्राइटर या पार्टनर है वहां से लोन मांगा, मिसकंडक्ट। जहां पे वो ठीक है प्रोप्राइटर पार्टनर है वहां से आर्टिकल से लोन मांगा, मिसकंडक्ट। जहां पे वो प्रोप्राइटर पार्टनर है वहां से लोन मांगा, मिसकंडक्ट। जहां पे वो शेयर होल्डिंग है उसकी वहां से लोन मांगा, इट विल बी मिसकंडक्ट। बात समझ रहे क्या सब? यस नो? क्विकली, प्रीमियम चार्ज किया तो मिसकंडक्ट, उससे लोन मांगा मिसकंडक्ट। जहां पे वो प्रोप्राइटर पार्टनर है वहां से लोन मांगा, मिसकंडक्ट। उसका शेयर होल्डिंग है, मिसकंडक्ट। अब इनडायरेक्ट इंटरेस्ट कैसे होता है? लोन इज टेकन फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, उनके फादर वहां पे प्रोप्राइटर या पार्टनर है, मतलब तो इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है वहां पे, वहां से लोन मांगा, मिसकंडक्ट। कंपनी जहां पे फादर का क्या है, सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग, वापस क्या इनडायरेक्टली टू कनेक्टेड है, इट विल बी अ मिसकंडक्ट। बात समझ रहे? अच्छा, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि फादर का सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है कि नहीं है, तो कंडीशनल आंसर, अगर वो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है तो मिसकंडक्ट, नहीं है तो नॉट अ मिसकंडक्ट। समझ रहे क्या? सुनो, डायरेक्ट आर्टिकल से पैसा लिया तो मिसकंडक्ट, उसके फादर के बिजनेस से लिया तो मिसकंडक्ट, लेकिन ऐसी कंपनी जहां पे फादर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वहां से लिया तो मिसकंडक्ट। शेयर होल्डिंग अगर दी नहीं है तो आपको कंडीशनल आंसर देना पड़ेगा। समझ रहे? इस क्वेश्चन में वैसा किया हुआ है। कम टू 769, ध्यान देंगे। आर्टिकल ऐसा बोला, आर्टिकल की इंस्टीट्यूट को बोला 10 से 6 काम कर रहा है, जबकि वो कहीं पे जॉब कर रहा था और 7 बजे के बाद आके थोड़ा काम कर लेता था। पहले तो रेगुलेशन में साफ साफ लिखा था कि आर्टिकल, साफ साफ लिखा है आर्टिकल शिप का टाइम शुरू होना चाहिए 11 बजे तक, नॉट लेटर देन 11, 11 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए और 5 बजे तक मिनिमम चलना चाहिए, 11 मिनिमम, मतलब 11 to 5 इज द प्राइम टाइम, 11 to 5 इज प्राइम टाइम, 11 से 5 तो आर्टिकल जी होनी ही चाहिए। रेगुलेशन में लिखा था कि आपका आर्टिकल का टाइमिंग 11 से 5 तो होना ही चाहिए, फिर भी तुमने उसको अलाउ किया कहीं पे और जॉब करने के लिए, मतलब आपने रेगुलेशन को तोड़ा। तो रेगुलेशन तोड़ा तो कौन सा? कॉम्बिनेट विद कपिल, सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1, और आपने इंस्टीट्यूट को झूठ भी बोला, इंस्टीट्यूट को झूठ बोला तो फेसबुक सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 3, फेसबुक याद है ना भाई? पहले था कॉम्बिनेट्स विद कपिल, उसके बाजू में कैंडी क्रश, उसके बाजू में फेसबुक, सब कुछ किस पे? मोबाइल पे। बात समझ रहे? तो दोनों क्लॉज लगाने पड़ेंगे, एक तो तुमने रेगुलेशन तोड़ा, आर्टिकल के टाइमिंग गलत है वहां पे मिसकंडक्ट, और जानकारी भी झूठी थी तो वहां पर भी मिसकंडक्ट। Now listen, empanelment होता है, सबको पता है? फर्म का नाम इंक्लूड करते उसको क्या बोलते हैं? Empanelment. Panel is nothing but list of CA firms. List of CA firms है, वो list of CA firms में, list of CA firms में आपने खुद का फर्म का नाम इंक्लूड किया और बोल दिया मेरे साथ में और एक दो लोग पार्टनर, जबकि नहीं थे। अब सुनो, अगर आप झूठ बोलते हो 8 लोगों को, बैंक ऑडिट का एम्पैनलमेंट चल रहा था, अब झूठ बोलते 8 लोग, कैसे याद रखना 8 लोग? बहुत आसान है। इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ा कौन? सीए इंस्टीट्यूट। उससे छोटा कौन? काउंसिल। कौन सा? काउंसिल। उससे छोटा कौन? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। कौन बोला है साहब? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। उससे छोटा कमिटी, या फिर ऐसा, पहले कौन है साहब? इंस्टीट्यूट। उससे छोटा काउंसिल, उससे छोटा कमिटी, उसके बाद में क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ये 4 लोग हो गए, समझा क्या?
यस नो। अब चार आपके डिसिप्लिन वाले, डिसिप्लिन वाले सबसे बड़ा कौन होता है? एपेलेट अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी, उससे छोटा डिसिप्लिनरी कमिटी, उससे छोटा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, उससे छोटा डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। यस नो। ये आठ लोग होते हैं, आठ लोगों में से किसी से भी झूठ बोला तो इट विल बी मिसकंडक्ट। आठों का नाम लिखना पड़ता है तब मार्क्स मिलते हैं। नाउ लिसन, अब बच्चों को लगता है बैंक ऑडिट का इम्पैनलमेंट है तो हम आरबीआई, आरबीआई के पास नहीं होता इम्पैनलमेंट, सीए इंस्टीट्यूट के पास होता है इम्पैनलमेंट। बैंक ऑडिट के लिए इम्पैनलमेंट आरबीआई, आरबीआई से झूठ नहीं बोला, सीए इंस्टीट्यूट से झूठ बोला। बैंक ऑडिट के लिए इम्पैनलमेंट का डेटा कौन इकट्ठा करता है? सीए इंस्टीट्यूट। तो अगर सीए इंस्टीट्यूट से आपने झूठ बोला इम्पैनलमेंट के वक्त तो ये फेसबुक में जाएगा। समझ रहे क्या भाई? यस नो। उसका नोट भी दिया है वहां पे। काफी बार अभी तो बहुत ही घूम रहा है, 18 आरटीपी, 18 एमटीपी, लास्ट टाइम 16 एग्जाम्स में आया। नाउ ये मार्क करो 774। हम लोग एक शॉर्टकट देखेंगे अभी और फिर खत्म। सेवन सेवेंटी नाइन, सेवन सेवेंटी फोर करना है ना भाई, 774, उसके बाद 779। फिर करना है 782। ओके ध्यान देंगे आपके। अगर आप नोट्स पे आएंगे तो लास्ट थिंग नाउ, काउंसिल गाइडलाइंस ध्यान देंगे। काउंसिल गाइडलाइंस 2008 है। अगर इसका केस आया तो काउंसिल गाइडलाइंस 2008 और कॉम्बी नाइट्स विद कपिल सेकेंड शेड्यूल पार्ट टू क्लॉज वन, दोनों को रेफर करना है। देखो शॉर्टकट दिया है इनकम्बेंट्स मतलब पुराने लोग, तो पुरानी गाइडलाइंस है। इस गाइडलाइन में इनकम्बेंट्स, आई स्टैंड फॉर इनडेटेडनेस, क्या लिखा है? अगर इनडेटेडनेस की कोई लिमिट दी है लॉ में तो वो फॉलो करो, नहीं दी है तो 10,000 फॉलो करो। जैसे कंपनी ऑडिट में लिमिट है कितनी? 5,00,000, तो 5,00,000 फॉलो करो। इनकम टैक्स में लिमिट है कितनी? 0। किसके दी हो लिमिट? सिर्फ रिलेटिव, तो 0 फॉलो करो। इंटरनल ऑडिट में कोई लिमिट नहीं है, 10,000 फॉलो करो। जीएसटी ऑडिट में कोई लिमिट नहीं है, 10,000 फॉलो करो। वैट में नहीं है तो वहां पे जीएसटी ऑडिट ऐड कर दो। आईस फॉर इनडेटेडनेस, ये काउंसिल गाइडलाइन 2008 में लिखा हुआ है। इनकम्बेंट्स, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑडिट्स। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितने ऑडिट? 20, लेकिन चार लोगों को छोड़ देते हो। सबसे छोटा ओपीसी, उससे बड़ा स्मॉल कंपनी, उससे बड़ा डोरमेंट कंपनी, उससे बड़ा प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़। लिसन, लेकिन काउंसिल गाइडलाइंस में कितनी लिमिट है? 30। तो सर कंबाइंड इंटरप्रिटेशन आसान है, चार लोगों को छोड़कर 20 के ऊपर नहीं आ सकते, चार लोगों को इंक्लूड करके 30 के ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन सुनो, आज तक कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा 30 वाला,
जब तक क्वेश्चन काउंसिल गाइडलाइंस को ना बोले 30 की लिमिट यूज नहीं करने का, गो विथ ओनली 20. जब तक काउंसिल गाइडलाइंस का नाम यूज ना हो तब तक 20 से ही, लिखा हुआ है वहां पे नोट्स में. इनकम्बेंट्स, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑडिटर. जिस फर्म को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया, जिस फर्म को स्टैट्यूटरी ऑडिट अपॉइंट किया, उसी फर्म को कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर नहीं सकते. भाई तुम स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम करो, होगा तुम्हारे पास एक पार्टनर कॉस्ट ऑडिटर, लेकिन उसको हम कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर नहीं सकते. यू स्टैंड फॉर अनजस्टिफाइड रिमूवल. अगर किसी बंदे का अनजस्टिफाइड रिमूवल है, गलत तरीके से बाहर निकाला गया, तो कंप्लेंट कर सकते सीए इंस्टीट्यूट को. सीए इंस्टीट्यूट अगले ऑडिटर को बोलेगा बेटा एक्सेप्ट मत कर, अगर उसने फिर भी कर लिया तो इट विल बी ब्रीच ऑफ काउंसिल गाइडलाइंस 2008 कि तूने सीए इंस्टीट्यूट की बात को ब्रीच किया, तो उसको भी गलत मानेंगे हम लोग. आई फॉर इंडेटेडनेस, ठीक है, क्या हुआ. एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कंपनी ऑडिट्स, नंबर ऑफ कंपनी ऑडिट्स स्पेसिफिकली. सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑडिटर. यू स्टैंड फॉर अनजस्टिफाइड रिमूवल, ठीक है. नाउ एम स्टैंड फॉर मिनिमम ऑडिट फीस. बहुत पहले हुआ करती थी, 2011 से नहीं है, कोई मिनिमम ऑडिट फीस नहीं है. गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट के पीछे रिकमेंडेटरी फीस आती है. गाइडेंस नोट जितनी बार इश्यू होता है उसके पीछे रिकमेंडेटरी फीस आती है. इट्स रिकमेंडेटरी, कोई भी मैंडेटरी मिनिमम फीस नहीं है आज के डेट में. भी आएंगे इनकम्बेंट्स. एम देन बी. बी स्टैंड फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट. सभी सीए इन प्रैक्टिस को बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उनका टैक्स ऑडिट हो या ना हो, वो लिमिट क्रॉस करे या ना करे. बहुत बार पूछा है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे, गलत बात. प्रॉपर बुक इंक्लूडिंग कैश बुक एंड लेजर. इनकम्बेंट्स. ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉई निग्लिजेंटली काम कर रहा. ये एम्प्लॉय निग्लिजेंटली काम कर रहा, पहले कुछ सालों पहले उन्होंने उसको अदर मिसकंडक्ट बोल दिया था. क्या बोला था? अदर मिसकंडक्ट. हमने पढ़ा था ABCDE, ई फॉर एम्प्लॉयर हमने पढ़ा था वहां पे, ठीक है. वहां पे लिख दो ऑल्सो अदर मिसकंडक्ट. इनकम्बेंट्स. पी देन एन स्टैंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस. अगर प्रीवियस बंदे की तुम फीस पे नहीं करोगे, प्रीवियस बंदे की फीस पे नहीं की है और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इट विल बी अ मिसकंडक्ट. लेकिन कहां नहीं लगता? सिक कंपनी. समझ रहे के साहब? पुराने बंदे की फीस पे होनी चाहिए. अगर उसकी फीस पे नहीं हुई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इट विल बी अ मिसकंडक्ट. लेकिन कहां नहीं लगता? सिक कंपनी में चलता है एक्सेप्ट किया तो भी. सिक कंपनी मतलब क्या? Liabilities are more than assets. T stand for tax audit. Tax audit की लिमिट कितनी है? 60. और इसमें सबसे खास बात, 10 पार्टनर है तो फर्म की लिमिट 10 × 60 600. क्या एक ही बंदा साइन कर सकता है? Yes. एक की लिमिट दूसरा, ऐसा कंपनी ऑडिट में अलाउड नहीं है. कंपनी ऑडिट में अलाउड नहीं है. और एक बात, ये टैक्स ऑडिट के नोट्स में लिखी हुई है, लेकिन आप सुन, वहां पे लिखी है, पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन भी था, 44AE, 44AD, 44ADA, ये ऑडिट्स काउंट नहीं होंगे. प्रिजम्प्टिव 60 के लिए काउंट नहीं होंगे. जो प्रिजम्प्टिव, अब सभी प्रिजम्प्टिव वाले नहीं है, डबल भी ट्रिपल भी छूट गया है. एई एडी एडी है, ए रहना चाहिए, एई एडी एडी है, तो उनको 60 की लिमिट के लिए छोड़ देते. तो लिमिट कितनी है साहब? 60. एक की लिमिट दूसरा यूज कर सकता है? यस. कंपनी ऑडिट में? नो. क्यों फर्क है सर? क्योंकि ये काउंसिल गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट बोलता है हमारे घर की खेती है, हम जैसा बोलेंगे वैसा चलेंगे. कंपनीज एक्ट में लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है, वहां पे अलाउड नहीं है और तीन लोगों को काउंट करने वाले नहीं है. इनकम्बेंट्स. एस फॉर
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रिश्तेदारों का, सीए उसके रिश्तेदारों का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो ऑडिट कर नहीं सकता. मैंने बोला था काउंसिल गाइडलाइंस में दिया है, और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सर बोल रहे थे भी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी कंपनी ऑडिटर लिख कर दो, वहां पे स्टैट्यूटरी कंपनी ऑडिट फीस कर दो और बेटर. लिसन, अगर सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है, बंदा ऑडिट कर रहा है पीएसयू का, गवर्नमेंट कंपनी का, लिस्टेड कंपनी, सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी, सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी, उससे थोड़ा छोटा गवर्नमेंट कंपनी और पीएसयू, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनीज पीएसयू का ऑडिट, या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी का ऑडिट जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो. इतनी बड़ी बड़ी कंपनी का अगर तुम कंपनी ऑडिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो साहब, कंपनी ऑडिट, तो सुन लो, आपकी जो कंपनी ऑडिट फीस है वो अदर असाइनमेंट के फीस से कम नहीं हो सकती. अगर आप लिस्टेड कंपनी में, उससे छोटे गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज में, उससे छोटे अदर पब्लिक कंपनी जहां पे टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसी बड़ी कंपनीज में ऑडिट करोगे तो क्या शर्त है? शर्त यह है कि आपकी जो कंपनी ऑडिट फीस है दैट कैन नॉट बी लेस देन अदर असाइनमेंट्स. नहीं तो आप यार कॉम्प्रोमाइज कर लोगे कंपनी ऑडिट से. आपका ज्यादा ध्यान किस पे रहेगा? अदर असाइनमेंट्स पे. इसलिए कंपनी ऑडिट की फीस कम हो नहीं सकती. समझ रहे क्या साहब? अरे आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लेकिन उसमें तीन चीजें काउंट नहीं होगी अदर असाइनमेंट्स में. अगर आप अदर असाइनमेंट्स में स्टैट्यूटरी ऑडिट्स या सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हो वो काउंट नहीं होगा. मतलब अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो काउंट नहीं होगा, उसकी फीस काउंट नहीं होगी. जीएसटी ऑडिट कर रहे हो काउंट नहीं होगा. सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हो तो वो काउंट नहीं होगा. समझ रहे क्या? सुनो, कंपनी ऑडिट की फीस किससे कम नहीं होनी चाहिए? अदर असाइनमेंट. एक बंदा ऑडिट सर्विस भी दे सकता है, साथ में अदर असाइनमेंट्स भी दे सकता है. तो शर्त यह है कंपनी ऑडिट की फीस कम होनी नहीं चाहिए. अदर असाइनमेंट में तीन चीजें काउंट नहीं करेंगे. अगर आप किसी लॉ के हिसाब से ऑडिट कर रहे हो, सर्टिफिकेशन कर रहे हो, इट विल नॉट बी काउंटेड. ठीक है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दूसरा, ऑडिट कर रहे हो और दूसरा सर्टिफिकेशन. तीसरा, अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो क्लाइंट को किसी अथॉरिटी के सामने, वो भी काउंट नहीं होगा. ये तीनों को छोड़कर जो फीस बचेगी उसको बोलो अदर असाइनमेंट की फीस. बात समझे साहब? यस नो? अब इसमें और एक, अगर वो कभी पूछे तो, जो कैलकुलेशन करोगे आपको पूरे क्लाइंट का जो ग्रुप है उसका पूरा टोटल लेना पड़ेगा कि मैं पूरे ग्रुप से कितनी कंपनी ऑडिट फीस कमा रहा हूं और पूरे ग्रुप से अदर असाइनमेंट में कितना कमा रहा हूं. समझ रहे क्या? कैलकुलेशन इज नॉट डन इंडिविजुअल कंपनी वाइज, इट इज डन फॉर अ ग्रुप. और मेरी फीस भी लूंगा और मेरी कोई एसोसिएट कंसर्न है. एसोसिएट कंसर्न मतलब जहां पे मेरा पैसा लगा है 20% या उससे ज्यादा, उसका भी कलेक्शन लूंगा. अच्छा, क्लाइंट के बारे में उसका पूरा ग्रुप लूंगा और मेरे साथ एसोसिएट कंसर्न को भी लूंगा. तो इट विल हैपन ऑन टोटलिटी बेसिस. पूरे ग्रुप से कितनी कंपनी ऑडिट फीस मिल रही है, पूरे ग्रुप से अदर असाइनमेंट की फीस कितनी मिल रही है, और मेरे एसोसिएट्स को मिलाकर कितनी मिल रही है. हवा लगी क्या भाई? यस नो? करेक्ट. काउंटिंग करते वक्त तीनों को काउंट मत करो. इसको छोड़कर जो फीस रहती है उसको यूज करो कंपैरिजन में. मतलब ये इसकी फीस कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वी टेक अ ब्रेक एंड अगर कोई पार्ट टाइम सीओपी में है उसकी लिमिट जीरो होती है. पार्ट टाइम सीओपी कैन नॉट साइन एनी सर्टिफिकेट और रिपोर्ट एंड ही कैन नॉट ट्रेन एनी आर्टिकल. वो कोई आर्टिकल भी ट्रेन कर नहीं सकते.
ब्रेक आपका है 15 मिनट का,